Hello, dear students. A very good evening to all of you. So, कैसे आप सभी लोग? Good evening, good evening, good evening. चलिए जुड़िए सभी लोग बहुत दिनों के बाद आज अपने स्टूडेंट के साथ YouTube पे वंस अगेन. जी हाँ, चलिए आइए. और हाँ, इस चीज़ के लिए काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी और काफ़ी बच्चे कॉल कर रहे थे कि सर प्लीज़ एक बार फिर से ना स्टार्ट करिए जो हमारा फिर से स्टार्ट करिए जो हमारे वीकली टेस्ट होते हैं. गुड इवनिंग उनके डिस्कशन के लिए. तो जी हाँ, आप लोगों का कोई भी चीज़ ऐसी अगर आपको लग रही है कि हाँ ये चीज़ हमारे प्रिपरेशन को हेल्प करती है, तो जी हाँ उसके लिए हम हाजिर हैं. और साथ में इस सीरीज को हम इसलिए भी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमारी एक हैबिट बन सके, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत जल्द हमारी मैराथन सीरीज भी तो आने वाली है, क्योंकि वहां पे वो फाइनल टचअप भी तो हमें करना है और इसीलिए इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं. तो चलिए सभी लोग जुड़िए. आज लास्ट जो संडे को, यानी अगर हम बात करें 20 नवंबर को जो आप लोगों का पेपर हुआ था, जिसमें वीकली टेस्ट में आपका क्या था, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस और फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चंस थे, करेक्ट है? और उन्हीं क्वेश्चंस को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं. ओके, यस शिशागिरी, हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वीकली टेस्ट क्वेश्चन डिस्कशन विच वी ऑलरेडी कंडक्ट ऑन द संडे. यस आई नो दिस इज फ्राइडे, लेट हो चुका है, बट From the next week, we will discuss it whether on that Monday or in the Tuesday, that will be the fixed. Okay? So, this week it's starting. So, we are the delayed, but hope so. From the next week, we will be continue it on the Monday or in the Tuesday only. Okay. चलिए, ज्यादा time नहीं लेंगे. शुरुआत करते हैं. 102 नंबर आए थे आप लोगों के. बहुत बढ़िया. चलिए. तो पहले हम शुरुआत करने वाले हैं ज्यूरिसप्रूडेंस से. जरा देखिएगा, क्योंकि ज्यूरिसप्रूडेंस बहुत जरूरी है. अगर आप एमपीडीआई कर रहे हैं, बिहार डीआई की सोच रहे हैं, या अगर आप ओडिशा डीआई की बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश डीआई की बात कर रहे हैं, जो वैकेंसीज ऑलरेडी अभी मार्केट में हैं, क्योंकि इनके अभी एग्जाम होंगे, वहां पे ये ज्यूरिसप्रूडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इसलिए उसके लिए जरूर तैयार रहिएगा, जरूर करेंगे. बहुत जल्द अब चीजें आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, डीआई के लिए भी, फार्मासिस्ट के लिए भी, और हाँ जीपैट तो हमारा है ही है, करेक्ट? तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या था. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट. यहां पे आपके पास दो स्टेटमेंट दिए गए हैं. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आपने पढ़ा होगा ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में, और ये ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में आपके इसमें भी नॉमिनेटेड एक्स ऑफिशियो एंड यहाँ पे हमारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं. एक्स ऑफिशियो में 8 मेंबर होते हैं, और उन 8 मेंबर में से जो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज. क्या होते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होते हैं, वही डीटीएबी के चेयरमैन होते हैं. लेकिन यहां पे क्या पूछा, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि डायरेक्टर कंट्रोल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. ना जी ना, स्टेटमेंट 1 गलत जा रहा है. इन डीटीएबी देयर विल बी द 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर, 5 नॉमिनेटेड एंड 5 इलेक्टेड. यस, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. आपने ढूंढ लिया होगा एग्जैक्टली 855 आंसर आपको मिल गया होगा. हमने बोला क्या, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. आंसर जल्दी बोलो, कहां पे दिख रहा है? यस, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. आंसर इज द डी ऑप्शन. जल्दी बोलो, आप लोगों ने लगाया था कि नहीं लगाया था, जरा एक बार जल्दी से रिकॉल करो. एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन से होते हैं इन द केस ऑफ द, अगर हम बात कर रहे हैं हमारे किसके, एक डीटीएबी की बात कर रहे हैं, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन से होते हैं? पहले आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, डायरेक्टर ऑफ द सीडीआरआई, डायरेक्टर ऑफ द आईवीआरआई. नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं हमारा डायरेक्टर ऑफ सीआरआई, यानी हमारा जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ द पीसीआई एंड प्रेसिडेंट ऑफ द एमसीआई. बस यही चीज. हाँ, एक चीज याद रखिएगा, डीसीजीआई. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आदित्य. डीसीजीआई इज द चेयरपर्सन ऑफ द सीडीएससीओ. सीडीएससीओ के हमारे चेयरपर्सन होते हैं कौन? डीसीजीआई होते हैं.
चलिए बहुत बढ़िया। आप देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ड्रग डायरेक्टर ऑफ द सीडीएल, डायरेक्टर ऑफ सीआरआई, डायरेक्टर ऑफ आईवीआरआई, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग सीडीआरआई, प्रेसिडेंट एमसीआई, प्रेसिडेंट पीसीआई, और साथ में इलेक्टेड 5, नॉमिनेटेड 5। बस बात खत्म, यही तो जरूरी है। केडी त्रिपाठी रिलेटिव इज लाइव ऑन यूट्यूब। नहीं जी दीपायन जी, थैंक यू, बट आई होप जल्दी ही बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ेंगी। बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी ऑल ओवर इंडिया से जीडीसी में जुड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी इसको ना एक क्या करना है, हमें एक बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की नीड को फुलफिल करना है। चलिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। 2x ऑफिशियो मेंबर ऑफ द डीटीएबी। अच्छा, डीटीएबी से अगेन क्वेश्चन है, अंडर ड्रग कॉस्मेटिक। अरे अरे अरे, अभी तो पढ़ा है, जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कौन कौन से इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर दिख रहे हैं? पहला क्या है, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, हां जी है, प्रेसिडेंट ऑफ एमसीआई, बिल्कुल होते हैं, सेक्रेटरी, ना जी ना, सेक्रेटरी नहीं होते, प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई होते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ द एनआई नाइपर। अरे ना ना, नाइपर के कोई बात ही नहीं है, इससे इजी क्या होगा, पी और क्यू जहां मिले लगा दो, बस लगाओ, बढ़ो आगे। एग्जैक्टली, सीडीएल कोलकाता, सीआरआई कसौली, आईवीआरआई इज्जत नगर, सीडीआरआई, सीडीआरआई लखनऊ, सीडीआरएल नहीं, सीडीआरआई। इसीलिए थोड़ा सा, इसीलिए मैं फास्ट हूं, क्योंकि मुझे जल्दी से खत्म करके मुझे अभी निकलना भी है, तो इसलिए थोड़ा सा ना आज की क्लास में मैं इसीलिए कंप्लीट करूंगा। चलो आ जाओ, द कमिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक इन टू द ड्रग। अरे वाह वाह वाह, ये तो क्वेश्चन है कहां का, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है फ्रॉम द ओडिशा डीआई 2012 का क्वेश्चन पेपर है। यानी अगर बात करें क्या, हमारा जो कमिटी अपॉइंट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिगार्डिंग द ड्रग इंडस्ट्री एंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ड्रग लाइक लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट रोल, फॉरेन सेक्टर क्वालिटी, कहीं भी प्राइस आ जाए, कोई भी कमिटी प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, उस प्राइस से रिलेटेड जब क्वेश्चन आए, प्लीज याद रखिएगा, हाथी, हाथी का प्राइस सबसे बड़ा होता है। यानी यस, हाथी कमिटी बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द जयसुख लाल हाथी सर, उनके अंडर में बनाई गई थी हमारी ये कमेटी, जहां पे ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट की गई थी। चलिए, तो हमने बोला क्या, हाथी कमेटी की बात, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, अगर देखोगे आप जो हमने ओडिशा डीआई की बात किया था, हाथी कमेटी अपॉइंट कंस्टिट्यूटेड इन द 1974 अंडर द जयसुख लाल हाथी सर, इसके चेयरपर्सन थे, और उन्हीं का ये एस्पेक्ट था कि फॉरेन सेक्टर, इंपोर्ट, रोल ऑन प्राइस, इससे रिलेटेड चीजों के बारे में बात किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये चीजें पढ़ने की जरूरत है। हाँ जी, क्या बोला, पीसी फार्मेसी एक्ट में जब हमारी बात होती है तो फार्मेसी एक्ट की बात आती है कि इसमें हमारा कौन सा पॉइंट आता है, रेस्टोरेशन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन ड्यू इन प्लेस ड्यू टू द हेल्थ सर्विसेज, हाँ जी, रेस्टोर करना, कॉलेजेस अप्रूव करना, एक प्रॉपर एजुकेशन क्वालिटी वहां पे प्रोवाइड करना, रजिस्ट्रेशन करना, ये पीसीआई का काम था, रेजिंग द स्टेटस ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन, टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ द फार्मेसी, टू हैव अ कॉमन सिलेबस, ना जी ना, कॉमन सिलेबस पहले नहीं था, कॉमन सिलेबस तो अभी आया है ना, तो ये नहीं था, ये कॉमन सिलेबस वाला ऑप्शन नहीं था, और आप क्वेश्चन में यही पूछा गया है, नॉट करेक्ट की बात हुई है, तो यानी कॉमन सिलेबस की कहानी पहले फार्मेसी एक्ट में नहीं थी जो 1948 में हमारा स्टार्ट हुआ था, ये तो अमेंडमेंट के बाद फर्दर ऑन इसको लेटर ऑन ऐड किया गया कि एक कॉमन सिलेबस होना चाहिए, पहले तीन चीजें थी, प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन, नेक्स्ट हमारा टू इंश्योर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट, ये तीन ही चीजें हमारी यहां पर आती थी, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, Who was the chairman of the drug inquiry committee? अरे भाई साहब, drug inquiry committee को हम बोलते हैं क्या, चोपड़ा कमेटी के नाम से भी इसको बोला जाता है, और चोपड़ा कमेटी के चेयरपर्सन कौन, चेयरमैन कौन, अरे बोलिए ना, हमारे फादर ऑफ द इंडियन फार्माकोलॉजी यानी आरएन चोपड़ा सर, बिल्कुल आरएन चोपड़ा सर, एकदम भाटिया कमेटी, एसएस भाटिया सर भाटिया कमेटी के थे, जैसब भोरे हमारे भोर कमेटी के थे, और बी मुखर्जी की बात करते हैं, इनका हमारा कॉन्सेप्ट आया था जब हम बात करते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन, हमारा जब आया था, यानी सिंपली बोले जो हमारे पहले जब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात आई, करेक्ट। तो यहां पे आरएन चोपड़ा सर, हमने बोला कमेटी,
भोर कमेटी, हाथी कमेटी, मुखर्जी कमेटी हमारी अलग बनी थी, जो मुखर्जी कमेटी के नाम से ही बोली जाती थी, है ना, उसमें हमारे थे बी मुखर्जी सर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फार्मेसी एक्ट 1948। 1948 में जो फार्मेसी प्रोफेशन हमारा आया उसमें कौन सा फार्मेसी एक्ट का पॉइंट सही है। आ जाइए जरा फार्मेसी एक्ट की बात करते हैं। फार्मेसी एक्ट एजुकेशन रेगुलेशन 1991 डज नॉट प्रिस्क्राइब द मिनिमम क्वालिफिकेशन। गलत। 1991 प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो ये हमारा क्या है, गलत है। यहां पे आपसे करेक्ट पूछा गया है। सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट डील्स विद द अप्रूवल ऑफ कोर्स स्टडी अंडर द चैप्टर 2। नहीं, सिर्फ कोर्स नहीं, एक अप्रूवल ऑफ कोर्स और साथ में एग्जामिनेशन, वन कॉमन एग्जामिनेशन भी होना चाहिए जो हमारा अप्रूवल देगा। तो यानी ये भी हमारा गलत हो गया। सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट डील्स विद द अप्रूवल ऑफ द कोर्स स्टडी एज वेल एज द एग्जामिनेशन अंडर द चैप्टर 2। एकदम करेक्ट हो। स्टेट गवर्नमेंट इज ऑथोराइज टू मेक द रूल्स। जरा याद करिएगा, मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया होगा कि सेंट्रल जो हमारी पीसीआई है दैट इज वर्क फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रूल्स, और जो स्टेट होते हैं वो क्या करते हैं, रूल्स फॉर्म नहीं करते हैं, रूल्स को रेगुलेट करते हैं, रूल्स को अप्लाई कराते हैं। बनाता कौन है, सेंट्रल, स्टेट उसको फॉलो कराता है। तो इसलिए यहां पे ये पॉइंट गलत है कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कभी भी कोई रूल्स बना नहीं सकते हैं, केवल वो अप्लाई कर सकते हैं। अंकित जी, जब भी जीपैट का फॉर्म आएगा प्लीज मैं सबसे पहले आप ही को बताऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। लेकिन कब आएगा ये तो ना आपको पता है ना मुझे पता है, तो अभी इसके बारे में कोई बात ही करने की जरूरत नहीं है। तो सेंट्रल रूल्स बनाते हैं, स्टेट रूल्स फॉलो कराते हैं। तो सेंट्रल काउंसिल, हमारा यहां पर अप्रूवल की बात आई, ये सेक्शन 12 में अप्रूवल है फॉर द कोर्स एज वेल एज द क्या, एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ द इलेक्टेड। इलेक्टेड मेंबर कहां पे, स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बात हो रही है। स्टेट, मैंने बोला था क्या, आप सेंट्रल में काउंट मत करिएगा लेकिन स्टेट में काउंट कर लीजिएगा, और स्टेट में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 6+1 होते हैं इलेक्टेड मेंबर, यानी टोटल हमारे कितने होते हैं, 7 होते हैं। जरा मुझे कंफर्म करिएगा, 7 कौन कौन से होंगे, इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है, स्टेट में बात हो रही है। 6 हमारे आते हैं क्या, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आते हैं, 1 मेंबर अमंग द एमसीआई, एमसीआई से इलेक्ट होके आते हैं। तो 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 1 हमारा एमसीआई से इलेक्ट होके आते हैं, तो टोटल 7 मेंबर्स होते हैं। अगर नॉमिनेटेड की बात करेंगे तो 5 मेंबर्स होंगे और एक्स ऑफिशियो में 3 मेंबर्स होंगे। चलिए वो भी बात करेंगे, जित सीरीज पे भी आएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जरूर करेंगे जित सीरीज भी। 6 रजिस्टर्ड, 1 मेडिकल काउंसिल से मेंबर आएगा। चलिए आ जाइए आगे बढ़िए। एज पर द फार्मेसी एक्ट इन द कंपोजिशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द टोटल नंबर ऑफ एक्स ऑफिशियो। अरे भाई साहब, पीस फार्मेसी एक्ट में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में एक्स ऑफिशियो कितने होंगे, आप बोलोगे सर 3। कौन कौन से, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बोलिए ना, 3 ही तो होंगे, इसके अलावा कोई और होंगे क्या, नहीं, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हो रही है। हेलो हेलो हेलो, 8 नहीं नैन्सी जी, 8 तब होता जब डीटीएबी के बारे में बात हुई होती। यहां पे किसकी बात हो रही है, पीसीआई की, तो पीसीआई में कितने होंगे, 3 होंगे, करेक्ट है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर चाहो तो एक बार देख सकते हैं। 6 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम द हमारे आएंगे, 1 मेंबर फ्रॉम द यूजीसी हमारे रजिस्टर्ड होंगे, 1 मेंबर एमसीआई से, 1 मेंबर हमारे क्या होंगे, ईच रिप्रेजेंटेटिव स्टेट से। 2022 में जीपैट का ये क्वेश्चन आया भी था, बिल्कुल आपको यहां पे कंफर्म करना चाहूंगा। तो हाँ जी, इससे आते हैं, 22 का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वन ऑफ द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ, अरे भाई साहब अभी तो मैंने आपको नाम बताए थे, जरा कंफर्म करो ना, अभी मैंने आपको नाम बताया था, इतना इजी क्वेश्चन कैसे डाल सकता है हमारा टीम मेंबर। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हां जी, गवर्नमेंट एनालिस्ट, नहीं गवर्नमेंट एनालिस्ट यहां नहीं आते, स्टेट वाले में आते हैं। रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, डायरेक्टर जनरल ऑफ वेटनेरियन, ना ना ना, डायरेक्टर ऑफ द वेटनेरियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ना ये बिल्कुल नहीं आते। आंसर सिंपल यार,
एक्स ऑफिशियो में तीन ही तो हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कौन से, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। इतना इजी क्वेश्चन, इतना पढ़ाया हमने बच्चों को और क्वेश्चन इतने इजी, बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। हाँ ये वाला ठीक है, द एर्थ एडिशन, चलिए 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 चलिए, द एर्थ एडिशन ऑफ द आईपी इंडियन फार्माकोपिया, पहले से शुरू करेंगे तब मजा आएगा। पहला एडिशन कब आया, जरिए जल्दी बोलिएगा। फर्स्ट एडिशन इन द ईयर ऑफ द 1955, सेकंड एडिशन इन द ईयर ऑफ द 1966, नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड एडिशन 70 सीरीज में नहीं है ना, 85 सीरीज में है, तो 1985। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ एडिशन 1996 के बाद नेक्स्ट एडिशन 2007, तीन साल के गैप के बाद फिर से आ गया था 2010 में, नेक्स्ट चार चार साल का गैप करते जाइए 2014, 2018 एंड नेक्स्ट हमारा आ गया 2020 की बात कर लीजिएगा। आपसे क्या पूछा गया, एर्थ एडिशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एर्थ, लगा दीजिए आंसर जहां मिल रहा हो लगाइए आंसर, आया कि नहीं। 2007 में देखिए फर्स्ट एडिशन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 2007 में फिफ्थ एडिशन आया है। एग्जैक्टली नहीं 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 18 लास्ट में मत रुको, किसने बोला आपसे 18 तो आपका एर्थ एडिशन था, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। अभी तो नाइन्थ एडिशन चल रही है और नाइन्थ एडिशन 2022, भूलो नहीं 2022 नाइन्थ एडिशन चल रही है, तो ये मत बोलना 2018 तक ही आया है, 2022 कौन याद करेगा जी, नाइन्थ एडिशन याद करोगे चलेगा। हां जी बहुत बढ़िया, चलिए आ जाइए लेटेस्ट 2022। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो ऑफ द पीसीआई। यार घुमा घुमा के बहुत बेईमानी की गई है, सच में बहुत बेईमानी की गई है। फिर वही चीज है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हां जी ये होते हैं डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, डायरेक्टर ऑफ द फार्माकोपियल लेबोरेटरी नहीं होते हैं। इस पर टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं मैं इस क्वेश्चन से खुश नहीं हूं आप लोगों के लिए। वेन इज जीपैट, वी डोंट नो भावना रवि। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेनाल्टीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर फॉल्सली क्लेमिंग अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, प्लीज बताइएगा जरूर। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है, समझाया भी है कि पहली गलती करोगे तो आपसे 5 गुना लगान लिया जाएगा, याद है ना। हां जी चलो 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 चलो, योगेश जी मैं बिल्कुल बात सहमत हूं, हम लोग खुश हैं। हाँ आप लोगों के तो नंबर आए होंगे तो खुश होंगे, आहा हमारे इतने क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन सोचो तो सही थोड़ा सा गड़बड़ थे, बट कोई बात नहीं, कंटिन्यूअस इसको इंप्रूव करेंगे। और इस संडे, ध्यान से सुनिएगा, इस संडे सीवीएस का टेस्ट होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पे एक नजर जरूर मैं डालूंगा। और हाँ उसका डिस्कशन हम ट्यूजडे इवनिंग करेंगे। तो फर्स्ट कन्वेक्शन में कितना फाइन, अप टू 500 रुपीज ऑन द फर्स्ट कन्वेक्शन इफ नॉट क्लेमिंग, नॉट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, फॉल्सली क्लेम कर रहे हैं, तो फाइन अप टू 500 रुपीज यहां पे दिया जाता है। उसके बाद अगर कन्वेक्शन हुआ तो वहां पे 1000 रुपीज प्लस 1 ईयर का इंप्रिजनमेंट भी आता है, लेकिन पहली बार में 500। चलिए बहुत बढ़िया, आइए आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आपने पढ़ाया था पर कुछ याद नहीं आ रहा, वाह जी वाह शिव प्रसाद, मतलब यही दिल तोड़ने के लिए इनको बोल दीजिए, इतनी मेहनत का है यही सलाह दोगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, विच चैप्टर ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट। फार्मेसी एक्ट की बात किया गया था, फार्मेसी एक्ट में हमने चैप्टर्स बात किया था, याद है 1, 2, 3। हां जी चैप्टर और फॉर्म याद नहीं होते सर। अच्छा इसमें फॉर्म तो देखो, मैंने फॉर्म को तो अभी प्रॉमिस किया ही नहीं है, फॉर्म तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाला इसमें दो ही जगह तो चैप्टर आ रहे हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आया है, फार्मेसी एक्ट में आया है। और फार्मेसी एक्ट की अगर बात कर रहे हैं, फार्मेसी एक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या आता है, चैप्टर 2 इज रिलेटेड विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट, चैप्टर 4 हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट से आता है, क्योंकि चैप्टर 2 में हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आती है। जरा एक बार देखो, 5 चैप्टर याद करना है, फर्स्ट में तो इंट्रोडक्शन अबाउट द फार्मेसी एक्ट, सेकेंड में पीसीआई बन गई,
थर्ड में स्टेट फार्मेसी काउंसिल और ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल बन गई। अरे ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनेगी, क्या करेगी? रजिस्ट्रेशन। तो फोर्थ में रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट आ गया। बाकी सारी चीजें डाल दो ना फाइव में, मिसलेनियस हो गया, क्या दिक्कत है? जरा एक मिनट इधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। जरूर बोलो। पहले में इंट्रोडक्शन आया, क्या है फार्मेसी एक्ट। अब फार्मेसी एक्ट समझ लिया तो पीसीआई चाहिए, तो बना दिया गया सेकंड चैप्टर में पीसीआई। अरे पीसीआई सेंट्रली काम करेगा तो स्टेट में कौन काम करेगा? स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो थर्ड में आ गया स्टेट फार्मेसी काउंसिल। और स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन करेगा। और रजिस्ट्रेशन करेगा फार्मासिस्ट का, तो फोर्थ चैप्टर में रजिस्ट्रेशन। और पांच में हो गया ना यार, बस और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? इससे इजी और क्या होगा? इस तरह से याद करो सीक्वेंस वाइज जो मैंने आपसे बोला, पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर देखना ये चीज कैसे आप भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर ऑफ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अम्बरीश जी, शायद मेरे हिसाब से आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में पहुंच गए। बोलो बोलो जल्दी बोलो, पीसीआई कब बना? अगर ये कहानी याद रखोगे सीक्वेंस वाइज, मैंने बोला रट्टा नहीं मारना है, अगर ये सीक्वेंस वाइज क्या से क्या हुआ है जरा ये दिमाग में बैठा होगे ना, तो फिर कभी नहीं भूलोगे। फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में, लेकिन हमारा जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना है वो 1949 में बना है। तो बोला जाए कब? 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हमारा कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। तो यस, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई हमारा 1949 में बना। हर पांच साल में इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके मेंबर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड हमारे चेंज होते हैं। हां जी चलिए, नहीं ये पुराना दिया हुआ डेटा, नया नहीं है, आ जाओ। अच्छा अब यहां पे आया है तो बात बता दें, इस समय पीसीआई के प्रेसिडेंट कौन? मंटू पटेल सर। वाइस प्रेसिडेंट कौन? प्रमोद येवले सर। सेक्रेटरी कौन? अर्चना मुद्गल मैम। ठीक है, इनको भी याद रखना, कभी कभी कहीं भी पूछा जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल? स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने? तीन। कितने? तीन। जरा बोलो कौन से? चीफ फार्मासिस्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अरे भाई साहब नहीं 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 नहीं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, हां जी हमारा सीएमओ आते हैं। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, नहीं। असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, नहीं। अब कौन कौन से हमारे आते हैं? तीन हमने बोला। पहला चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट हमारा आता है, दूसरा हमने क्या बोला यहां पे, हमारा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ दैट स्टेट आता है, और लास्टली आता है ड्रग एनालिस्ट आता है। सो ये तीन हमारे क्या है? एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, जो हमारे आते हैं किसमें? अंडर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। सो ये रहा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस के क्वेश्चन। आई होप चीजें थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल आपके दिमाग में आई होंगी, आई होप क्वेश्चन भी इजी थे, आप लोगों ने किया होगा। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। आगे का सेशन फार्मास्यूटिक्स का शशांक सर कंटिन्यू करेंगे, और वो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस को देख करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन पे मैं यही थैंक यू बोलूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूजडे को फॉर द सीवीएस का फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन के साथ में, प्लस उससे पहले भी बीच में कुछ आ सकता है ना। चलिए मिलते हैं यहां सभी से, थैंक यू ऑल। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, जैसा कि आपको पता है कि सर ने ज्यूरिसप्रूडेंस, जो आपका वीकली टेस्ट हुआ था 20 तारीख को, ज्यूरिसप्रूडेंस सर ने वो क्लियर किया, टोटल 15 क्वेश्चन थे। अब जो 35 क्वेश्चन होंगे वो फार्मास्यूटिक्स के होने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा जो अगला 35 क्वेश्चन होगा वो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट से होने वाला है, तो सभी लोग फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के लिए रेडी है ना। चलिए फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या पूछा था इसमें एक बार कंफर्म करिएगा। टू स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है? टू स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नेहा, गुड इवनिंग अंकित, है ना, बहुत ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है टू स्टेटमेंट, क्या है दिया हुआ है, जो कि किसके रिगार्डिंग? यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्पर्सन टेस्ट, यानी कि आईपी के अकॉर्डिंग जो डिस्पर्सन टेस्ट बताया गया है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्पर्सन टेस्ट के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। टू चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। गुड इवनिंग नीलेश, चलिए
तो ऑप्शन यहां पे कोई क्या होगा, ऑप्शन ये है पी इज करेक्ट। पहले पी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इज इवेल्युएटेड यूजिंग 6 टैबलेट एंड 500 ml ऑफ वाटर। क्या डिस्पर्सन टेस्ट जब हम करते थे तो कितने टैबलेट लेते थे, 6 टैबलेट लेते थे क्या और 500 ml वाटर में डिस्पर्स करते थे क्या? जी नहीं, 6 टैबलेट नहीं लेते थे, हम 2 टैबलेट लेते थे। अभी एक्सप्लेनेशन में सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या होता है, क्यों क्या है, इट इन्वॉल्व मेजरिंग द डिस्पर्सन टाइम ऑफ ईच टैबलेट। क्या इन्वॉल्व करता है, डिस्पर्सन टाइम, यानी कि हर एक टैबलेट का क्या ये निकालता है, डिस्पर्सन टाइम निकालता है, ठीक है, डिस्पर्सन टाइम निकालता है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, यानी कि क्या है कि हमारा क्यू हमारा करेक्ट है, पी यहाँ पे इनकरेक्ट हुआ वाइल क्यू हमारा करेक्ट हुआ। कैसे कैसे हम बता देते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे राइट आंसर आपने देख लिया, एक्सप्लेनेशन जब हम देखेंगे वहां पे हम क्या देखेंगे कि जो हमारा टैबलेट का क्या था, डिस्पर्सन टेस्ट था, उसमें किस प्रकार से करते थे, हम 2 टैबलेट को 100 ml ऑफ वाटर में स्टीर करते थे। क्या करते थे, 2 टैबलेट को 100 ml वाटर में जेंटली जब हम स्टीर करते थे, उसके बाद हमारा क्या होता था, डिस्पर्सन टाइम एक स्मूथ पेस्ट बन जाता था, स्मूथ डिस्पर्सन मिलता था, जो कि हम किसके द्वारा, सीव नंबर 22 के द्वारा उसको पास कर देते थे। यानी ईच टैबलेट का डिस्पर्सन टाइम बताता था डिस्पर्सन टेस्ट आईपी, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं, जो अगला हमारा एमसीक्यू होने वाला है क्या है, इसमें भी कुछ स्टेटमेंट टाइप दिया हुआ है। क्या है, स्टडी द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट को पढ़ना है और जो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर है, उसको बताना है, ठीक है। चलो 7:30 स्टार्ट हुआ कोलोजी, ठीक है। चलो क्या है, पहला स्टेटमेंट एक्स है, दूसरा स्टेटमेंट वाई है। पहले में क्या बोला गया, व्हेन यूज्ड एज अ ग्रेनुलेटिंग एजेंट पीईजी 6000 को जब हम एज अ ग्रेनुलेटिंग एजेंट यूज करते हैं तो वो क्या इंप्रूव करता है डिसोल्यूशन रेट ऑफ द डोजेस फॉर्म। क्या वो डोजेस फॉर्म का डिसोल्यूशन रेट इंप्रूव करता है, या जो कि और कॉम्प्लेक्स बना लेता है बेटर सॉल्युबिलिटी के लिए, या अगला हमारा स्टेटमेंट क्या है, सोडियम कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज जब एज अ बाइंडर यूज किया जाता है तब वो डिसोल्यूशन रेट को अफेक्ट करता है, और डोजेज फॉर्म जो कि कन्वर्ट होता है लेस सॉल्युबल एसिड फॉर्म में लो पीएच ऑफ गैस्ट्रिक फ्लूड के कंडीशन में। क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन है बोथ एक्स वाई करेक्ट है, या एक्स इनकरेक्ट है वाई इज करेक्ट है, एक्स करेक्ट हुआ वाई इनकरेक्ट हुआ, या बोथ एक्स एंड वाई करेक्ट है। क्या होगा जब हम किसकी बात करते हैं, पॉलीएथाइलीन ग्लाइकॉल 6000 और सोडियम कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज। देखिए जो हमारा राइट आंसर यहां पे होने वाला है ऑप्शन बी, एक्स एक्स स्टेटमेंट आपका क्या है इनकरेक्ट है और वाई करेक्ट है। कैसे कैसे हम यहां पे देख सकते हैं कि जो पॉलीएथाइलीन ग्लाइकॉल जब हम इसको एज अ ग्रेनुलेटिंग एजेंट यूज करते थे तो वो डिसोल्यूशन नहीं डिसइंटीग्रेशन टाइम को क्या करता था, प्रोलॉन्ग करता था। यहां पे ऑप्शन में क्या दिया था कि डिसोल्यूशन रेट को बढ़ाता है, लेकिन पीईजी क्या करता है, डिसइंटीग्रेशन टाइम को बढ़ाता है अगर हम इसका कंसंट्रेशन 5% या उससे ज्यादा रखते हैं। जहां पे सोडियम सीएमसी क्या था, कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज, उसको एज ए बाइंडर जब हम यूज करते थे तो हमारा क्या होता था, वो क्या अफेक्ट करता था, डिसोल्यूशन रेट को अफेक्ट करता था। क्या करता था, डिसोल्यूशन रेट को अफेक्ट करता था, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा, आई होप आप सभी ने क्या हुआ, सबका गलत, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला थोड़ा सा सोटिक्स में जब टैबलेट की बात आती है, टैबलेट टॉपिक से जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिए, जहां गलतियां हुई हैं उसको सुधारिए, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट स्टेज ऑफ वेटिंग, यानी कि यहां पे किसकी बात आ रही है, वेट ग्रेनुलेशन। जब आप क्या पढ़ते थे, वेट ग्रेनुलेशन में क्या पूछा गया है, फर्स्ट स्टेज ऑफ वेटिंग ऑन एडिशन ऑफ अ ग्रेनुलेटिंग एजेंट। जब हम ग्रेनुलेटिंग एजेंट ऐड करते हैं, ठीक है, तो हम क्या होता है, तो जो ग्रेनुलेटिंग एजेंट करते हैं पाउडर में, तो वो किस 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 फिनोमेना या किस वर्ड के द्वारा कैरेक्टराइज किया जाएगा, कौन सा स्टेट कहलाएगा। चार स्टेट होते हैं ना, चार स्टेट होते हैं टोटल, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, ऑप्शन है कैपिलरी स्टेट, पेंडुलर स्टेट, फ्यूनिकुलर स्टेट, या ड्रॉपलेट स्टेट। यानी कि वेट ग्रेनुलेशन का जो फर्स्ट स्टेप होगा क्या होगा, पेंडुलर ऑप्शन आ रहा है, मुस्कान पेंडुलर आ रहा है, 110 निसार पेंडुलर, पेंडुलर जी हाँ, पेंडुलर देन फेनिकुलर देन कैपिलरी, वेरी गुड।
ऑप्शन यहाँ पे जिन्होंने बताया सही बताया है कि पहला स्टेट क्या होता है हमारा, वेट ग्रेनुलेशन का पेंडुलर स्टेट होता है, दूसरा फेनिकुलर होता है, तीसरा कैपिलरी देन सॉलिड ब्रीजिंग हुआ। पेंडुलर में क्या होता है, इस स्टेप में लो मॉइस्चर लेवल इन्वॉल्व होता है ब्रिज फॉर्मेशन, लिक्विड ब्रिज फॉर्मेशन या लिक्विड के कलेक्शन फॉर्मेशन में। कब? जब हमारा एडजेसेंट पार्टिकल के बीच में। ये ब्रिज कब होता है, ड्यू टू द इंटरफेसियल फोर्स या हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगता है उस समय। ठीक है जी हाँ, बहुत सही, राइट आंसर आपका क्या था, पेंडुलर स्टेट था। जी हाँ, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या था, क्या था अगला क्वेश्चन, द ऑफिशियल डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस कंटेन सिलेंड्रिकल वेसल एंड लोअर एज ऑफ द ब्लेड इज पोजीशन फ्रॉम इनसाइड बॉटम, यानी कि जो हमारा क्या था, इनसाइड बॉटम से जो लेड की, इनसाइड बॉटम से जो लेड की पोजीशन होती है उसका डिस्टेंस कितना होता है, 18 से 22 मिलीमीटर, 23 से 27 मिलीमीटर, 20 से 24 मिलीमीटर या 25 से 29 मिलीमीटर, है ना, बताओ ऑप्शन बताओ डियर क्या है। जो ऑफिशियल डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस में सिलेंड्रिकल वेसल और लोअर एज में जो, लोअर एज में जो ब्लेड होता है वो बॉटम से कितने हाइट पे होता है, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन आ रहा है 23 से 27, बी आ रहा है 23 से 27। चलिए देख लेते हैं क्या होगा राइट ऑप्शन यहाँ पे, 23 से 27 ज्यादातर ऑप्शन आ रहे हैं। जी हाँ, 23 से 27 मिलीमीटर होता है डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस जब हम देखते हैं पैडल और बॉटम के बीच में, पैडल और बॉटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है, किसके बीच में, पैडल और इनसाइड बॉटम के बीच में, 23 से 27 मिलीमीटर होता है। चलो जिन्होंने सही बताया वेरी गुड, ठीक है बी को लॉक कर देते हैं, ठीक है लॉक हो गया डियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी कुछ थोड़ा सा कोटिंग से रिलेटेड है, कोटिंग से रिलेटेड है डियर, किसके कोटिंग से, कौन सी कोटिंग से, आपने पढ़ा होगा सुगर कोटिंग, सुगर कोटिंग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है टैबलेट में, ठीक है तो क्या लिखा गया, द इंग्रेडिएंट मेंशन इन ए टू ई आर यूज्ड इन वेरियस स्टेज ऑफ सुगर कोटिंग, यानी कि जो हमारे इंग्रेडिएंट ए से ई में मेंशन है वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट किस किस स्टेज में हमारे यूज होते थे। यहाँ पे करीब 5 इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं, ठीक है उसको आपको मिलाना है, सील कोटिंग में कौन सा होगा मिलाओ, ठीक है सब कोटिंग में कौन सा होगा, सिरप कोटिंग में, पॉलिशिंग में, चलिए बताइए ऑप्शन हमारा क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है पहले का डी, क्या दिया है पहले का डी, यानी कि सील कोटिंग का क्या है, पीईजी पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल है क्या, या सेकंड का है, दूसरे का क्या है, जिलेटिन है, बताइए ऑप्शन बताइए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आ रहा है, ए आ रहा है, ए होगा, ए है, ठीक है बी भी आ रहा है, यानी कि ए है ऑप्शन क्या। चलिए पहले क्या था, सील कोटिंग होती थी, पहले सुगर कोटिंग की पहला स्टेप क्या है, सील कोटिंग है ना, फिर उसके बाद क्या था हमारा, सब कोटिंग, फिर उसको स्मूथिंग कह लो या सिरप कोटिंग। अब सिरप कोटिंग किसके द्वारा होती है ना, थोड़ा सा स्वीटनिंग टाइप होता है, केन सुगर, यानी तीसरे का ई हो गया है ना। अब सील कोटिंग किससे होती थी, जिलेटिन से होती थी, पहले का क्या हो गया, पहले का क्या हो गया, जिलेटिन से होती थी क्या, नहीं पहले का हो गया पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। जी हाँ हाँ प्रियंका पांडे, ठीक है ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, कैसे, यानी कि जो सील कोटिंग में हमारा क्या पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल यूज होता है और सब कोटिंग के दौरान हमारा जिलेटिन, एकेसिया जिलेटिन हुआ है ना। फिर बात करते हैं सिरप कोटिंग में, हमारे केन सुगर की बात होती है, क्यों सुगर की बात हो रही है, सिरप कोटिंग की बात हो रही है, लास्ट में जो स्टेप होता है पॉलिशिंग, वहां पे हम वैक्स को, कानुआबा वैक्स, बीज वैक्स वहां पे यूज करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सुगर कोटिंग के चारों स्टेप हैं कौन कौन से हैं, सील कोटिंग किस लिए किया जाता है, मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, सब कोटिंग किसके द्वारा कर सकते हैं हम अल्कोहल वाले जो डेरिवेटिव होते हैं, और सब कोटिंग क्या होता है, राउंड एजेस बिल्ड करने के लिए किसके द्वारा, एकेसिया जिलेटिन है ना, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है चलो। फिर सिरप क्या कर सकते हैं, सिरप, सिरप कोटिंग में हम किसी सुगर वाले सबस्टांस से, केन सुगर हो गया था, और पॉलिशिंग हम बीज वैक्स, कार्नुआबा वैक्स, वैक्सी सबस्टांस से, रेफरेंस आप यहां से देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है अब देखो उसी से रिलेटेड ये वाला भी क्वेश्चन है, कैसे, यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ है, दो ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है अब दो ग्रुप बता दिया गया, अब आपको समझना है क्या है, टाइप्स ऑफ कोटिंग है और कोटिंग मटेरियल, यानी सुगर कोटिंग में
जो सील कोटिंग होती है, जो सब कोटिंग होती है, पॉलिशिंग होती है फिल्म कोटिंग में, कौन कौन सा मटेरियल हमारा लगेगा। अभी अभी आपने देखा था जिलेटिन किस में लग रहा था, कार्नुआवा वैक्स कहां लग रहा था, यहां पे एक चीज अलग आ गई, एचपीएमसी और पीजी। ठीक है, चलो क्या होता है बताओ बताओ, सील कोटिंग में, सब कोटिंग में, पॉलिशिंग में, फिल्म कोटिंग में। अब बात पाती है पॉलिशिंग में क्या होता था, वैक्स था कि नहीं था, बताओ पॉलिशिंग में क्या था। चलो ऑप्शन बताओ सभी लोग, ऑप्शन ए आ रहा है, पी का 4 यानी कि पीजी हो गया सील कोटिंग के लिए, क्यू का 3 होगा, क्या क्यू का जिलेटिन होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट, देख लेते हैं। जी हाँ, ऑप्शन ए विल बी द राइट, कैसे कि हम वही जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है कि सील कोटिंग में जो मटेरियल यूज होता था पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, सब कोटिंग के दौरान हमारा क्या यूज होता था, जिलेटिन एकेसिया, है ना। ठीक है, वेरी गुड। चलिए यहां पे आप देख सकते हो वही सेम आपका क्वेश्चन ग्रुप वाइज में करके दे दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला एमसीक्यू क्या होने वाला है, अगला एमसीक्यू क्या होने वाला है कि सागर, ठीक है, फर्स्ट से ही सॉल्व सर। ठीक है, चलिए अगला एमसीक्यू क्या होने वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में नॉट बी रिक्वायर फॉर ओरल डोजेज फॉर्म, यानी कि ओरल डोजेज फॉर्म में कौन सी हमारी क्राइटेरिया वो नहीं होती है ना, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रिक्वायर नहीं होती है, ओरल की बात की जाती है जब ओरल डोजेज फॉर्म, है ना। ए को लॉक हो गया अनु, चलो ए को बताओ, ओरल डोजेज फॉर्म की बात करते हैं, जब ओरल डोजेज फॉर्म में कौन सा क्राइटेरिया, ओरल डोजेज फॉर्म में क्या मटेरियल की हैंडलिंग करते हैं, हाँ सर करते हैं, केमिकल को वे करते हैं क्या, जी हाँ करते हैं, ब्लेंडिंग को करते हैं, मिक्सिंग करते हैं क्या, जी हाँ करते हैं, एसेप्टिक फिल्टरिंग, एसेप्टिक फिलिंग, एसेप्टिक फिलिंग किसके कंडीशन में आता था, पेरेंट्रल के, किसमें, पेरेंट्रल के, यानी कि जो हमारे पेरेंट्रल वाले जो हमारे क्या होते थे, एसेप्टिक एरिया को रिक्वायरमेंट होता था ना, एसेप्टिक फॉर पेरेंटल, जी हाँ। ठीक है, स्टराइल, जी हाँ स्टराइल फॉर्मुलेशन के लिए, बात पूछा है कि ओरल के लिए कौन सा रिक्वायर्ड नहीं होगा, ओरल के लिए कौन सा रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो ओरल के लिए देखिए मटेरियल का हैंडलिंग भी जरूरी होता है, केमिकल को वे करना भी जरूरी होता है, ब्लेंडिंग यानी मिक्सिंग करना भी जरूरी होता है, देन एसेप्टिक फिलिंग करना हमारा जरूरी नहीं होता है। इजली हमारा जो राइट ऑप्शन होगा विल बी डी, अजय कौन बता रहा था सी, ठीक है डी ऑप्शन, एसेप्टिक फिलिंग हमारी नहीं होगी, किसके कंडीशन में, ओरल के कंडीशन में, एसेप्टिक फिलिंग कहां होती है, पेरेंट्रल या स्टराइल प्रोडक्ट के कंडीशन में। ठीक है, डी को लॉक कर दिया गया है। ठीक है, चलिए क्या होता है, यहां पे देख सकते हो कि बात की जाती है किसके बारे में, ओरल के बारे में, तो मटेरियल हैंडलिंग हो रही है, केमिकल की वेइंग हो रही है, फिर क्या हो रही है, फिर हमारी ब्लेंडिंग भी हो रही है ना, और ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन जो एसेप्टिक फिलिंग होती है, स्टराइल फिलिंग होती है, तो स्टराइल के या पेरेंट्रल में। ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गया हमारा राइट एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 23 है, क्या बोला गया है, मैच द टैबलेट डाइल्यूएंट विथ देयर प्रॉपर्टीज, यहाँ पे क्या है, टैबलेट का क्या है, डाइल्यूएंट्स है, टैबलेट के ये सारे क्या है, डाइल्यूएंट है, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लिस्ट वन है, लिस्ट टू है, अब लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है इन ऑप्शन को देख के, कैसे, लैक्टोज क्या होता है, क्या करता है बताओ, मैनिटॉल कौन सा रिएक्शन शो करता है, कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है बताओ, चलो ऑप्शन बताइए सभी लोग, क्या ऑप्शन आप लोगों ने लगाया था यहाँ पे, फिर हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे क्या सही होगा। ठीक है, चलिए बताइए डियर, ऑप्शन डी, डी आ रहा है, पी का 2nd, क्यू का 3rd, आर का 4, एस का 1, ऑप्शन डी, डी आ रहा है, चलिए देख लेते हैं डी में क्या है, पी का 2nd है क्या, पी का 2nd यानी लैक्टोज माइलार्ड रिएक्शन दे रहा है क्या, है ना, जी हाँ लैक्टोज अगर माइलार्ड दे रहा है, यानी पी का 2nd किस में है, बी में है, डी में है। अब आगे चलते हैं क्यू में, मैनिटॉल क्या देता है, मैनिटॉल क्या देता है, निगेटिव हीट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी क्यू का 3 यहाँ पे है, लग रहा है ये ऑप्शन कुछ सही सा है। ठीक है, सी कोई बता रहा, सी तो नहीं होगा डियर, सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बी और डी में हो सकता है। ठीक है, प्रियंका पांडे वेरी गुड, सही क्वेश्चन है, आपने सही लगाया सारा चीज। ठीक है, चलिए चलते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा, पी का 2nd, क्यू का 3rd, आर का 4 और एस का 1, यानी कि क्या है, ऑप्शन डी है,
यानी कि जो लैक्टोज होता है वो माइलॉयड रिएक्शन शो करता है, और जो हमारा क्यू यानी कि मैनिटॉल क्या होता है, निगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन दिखाता है। चलिए यहां पर हम एक्सप्लेनेशन देख ले पहले, तो हम क्या देखेंगे, जो टैबलेट के डाइल्यूएंट है, डाइल्यूएंट है उनका क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, लैक्टोज है तो वो अंडरगोज माइलॉयड रिएक्शन जो कि क्या करता है, ब्राउनिंग कर देता है टैबलेट का डिसकलरेशन कर देता है। मैनिटॉल क्या होता है, एक वाइडली यूज डाइल्यूएंट होता है ट्यूबल टैबलेट के लिए, है ना, जैसे एंटासिड हुआ, मल्टीविटामिन हुआ, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डी इज करेक्ट, जी हाँ, ओनली बीटा लैक्टोज डोंट सो, जी हाँ। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या होगा, सही है सर डी, जी हाँ अनु, फॉर क्या है, फॉर सॉलिड ओरल ड्रग प्रोडक्ट ए चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट इज मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द बायोअवेलेबिलिटी, यानी कि सॉलिड ओरल ड्रोजेज फॉर्म में कौन सा चीज, कौन सा हमारा इंग्रेडिएंट हमारा चेंज करोगे, या कौन से इंग्रेडिएंट के इन्फ्लुएंस से बायोअवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, इन्फ्लुएंस होगी, बताओ सभी लोग, कि सॉलिड ड्रग प्रोडक्ट में किसके कंसंट्रेशन में, किस मटेरियल के या किस एक्सिपिएंट के कंसंट्रेशन को चेंज करने से हमारी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी इन्फ्लुएंस होगी, किसके बताओ, मैग्नीशियम स्टेरेट, जी हाँ मैग्नीशियम स्टेरेट होगी डियर, क्यों होगी अवोध जोशी बताइए। चलिए जीपैट 2001, वेरी गुड, 2021 का क्वेश्चन है कि किसके मैग्नीशियम स्टेरेट के कंसंट्रेशन के चेंज में ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, इन्फ्लुएंस हो जाएगी। ऑप्शन तो सही है, क्यों इन्फ्लुएंस होगी, यहाँ पे हम देख सकते हैं किसके बारे में, मैग्नीशियम स्टेरेट क्या है, एक हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट होता है जो कि वाटर को रिपेल करेगा। सबसे पहली बात समझिए, अगर कोई सबस्टांस, कोई मटेरियल, कोई एक्सिपिएंट वाटर को रिपेल करा, यानी वाटर में क्या हुआ, वो डिजॉल्व नहीं हुआ, अगर वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा यानी कि वाटर में अब्सॉर्ब नहीं हुआ, ठीक है, वाटर में डिजॉल्व नहीं हुआ यानी कि वाटर में अब्सॉर्ब नहीं हुआ, अब अब्सॉर्ब नहीं होगा तो बायोअवेलेबिलिटी अफेक्ट होगी कि नहीं होगी, सही बताइएगा, वाटर में कोई चीज अगर डिजॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, अफेक्ट होगा वो बायोअवेलेबिलिटी, इसीलिए हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम स्टेरेट यहां पे राइट आंसर था। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 25, अगला क्वेश्चन क्या है, एन एक्सिपिएंट ल्यूडीप्रेस, ल्यूडीप्रेस का नाम सुना होगा, उसका कॉम्बिनेशन बताता है, बताना है ना, लिक्विड डोजेज फॉर्म में क्या होता है, उस एक्सिपिएंट का क्या कॉम्बिनेशन है, एक्सिपिएंट और किस चीजों से मिलकर बना होता है या जाना जाता है, बताओ। चलो ल्यूडीप्रेस जो कि लिक्विड डोजेज फॉर्म के लिए यूज होता है, को प्रोसेस एक्सिपिएंट होता है, किसका होता है, ऑप्शन ए है, किसका होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन पढ़ो जल्द से बताओ डियर सभी लोग, ऑप्शन सी आ रहा है, यानी कि लैक्टोज मोनोहाइड्रेट कॉलिडोन 30 या कॉलिडोन सीएल, बताओ किसका को प्रोसेस्ड एक्सिपिएंट है, ल्यूडीप्रेस अभी आता है, अभी आएगा, सुगर टैब आएगा, न्यू टैब आएगा, सारी चीजें आएंगी, ठीक है, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, जी हाँ प्रियंका आपके सारे ऑप्शन सही हैं लगभग, ठीक है, ऑप्शन सी, जी हाँ राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट कॉलिडोन 30 प्लस कॉलिडोन सीएल, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेड नेम क्या कौन कौन से हैं, अभी ये सब भी देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, न्यूटैब से, डाइपैक से, सुगर टैब से, क्या कॉम्बिनेशन है, बात की जाती थी, किसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ल्यूडीप्रेस में कॉम्बिनेशन को प्रोसेस किसका एक्सपेंड था हमारा, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट का, कॉलिडोन 30 का और कॉलिडोन सीएल का, सी ऑप्शन विल बी द राइट, सी ऑप्शन वाले सही थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला एमसीक्यू क्या होने वाला है, सबस्टांस जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए टैबलेट कंप्रेशन में यूज किया जाता था और क्या होता था, और फैसिलिटेट करता है इजेक्शन ऑफ टैबलेट फ्रॉम डाई कैविटी, यानी कि ऐसा कौन सा सबस्टांस है जो टैबलेट के कंप्रेशन के दौरान डाई में जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और डाई कैविटी से इजेक्ट होने का काम करता है, बताओ कौन करवाता है, बताओ, ल्यूब्रिकेंट करवाता है, ग्लाइडेंट करवाता है, एंटी एडरेंट या ह्यूमेक्टेंट करवाता है, बताओ डियर कौन सा ऐसा सबस्टांस है जो कि फ्रिक्शन, डाई वॉल के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है कौन सा करवाता है, एंटी एडहेरेंट करवाता है क्या, बताओ
एंटी एडेरेंट नहीं होगा, वो तो एंटी एडेरेंट दूसरा चीज हो गया। डाई वॉल के बीच की बात की जाती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है? लुब्रिकेंट। जी हाँ, ऑप्शन ए लुब्रिकेंट विल बी द राइट आंसर। लुब्रिकेंट यहां पे राइट आंसर होगा। क्या करता है वो? फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। कंप्रेशन के दौरान जो फ्रिक्शन लग रहा है टैबलेट को इजेक्ट होने में डाई वॉल के बीच में, वो लुब्रिकेंट दूर करता है। यहां पे आप देख सकते हो टैबलेट के कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, कि डिसइंटीग्रेंट क्या करता है, ग्लाइडेंट क्या करता है, डाइल्यूएंट क्या करता है, लुब्रिकेंट पूछा था है ना। लुब्रिकेंट क्या करता है? फ्रिक्शन रिड्यूस करता है वॉल ऑफ टैबलेट एंड वॉल ऑफ डाई। डाई और टैबलेट के वॉल के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको रिड्यूस करने का काम कर रहा है जब टैबलेट इजेक्ट हो रहा है। जैसे मैग्नीशियम स्ट्रेट एग्जाम्पल हो गया। ठीक है डियर, चलो वेरी गुड फॉर लुब्रिकेंट। जी हाँ जी हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यू क्या पूछा गया है? लार्जर वैल्यू ऑफ के वाई। के वाई जब हेकल प्लॉट पढ़ते थे, हेकल प्लॉट है ना, हेकल प्लॉट में आता था। क्या पूछा है? लार्जर वैल्यू ऑफ के वाई इन द हेकल प्लॉट इंडिकेट फॉर्मेशन ऑफ व्हाट क्वालिटी ऑफ टैबलेट। यानी कि जब के वाई की वैल्यू ज्यादा आएगी, के वाई की वैल्यू ज्यादा आएगी तो क्या टैबलेट वो कैसा होगा, कैसा हो जाएगा भैया, कैसा वो बता रहा है। उसकी वैल्यू अगर ज्यादा आ रही तो टैबलेट हमारा किस नेचर का होगा? हार्डर होगा, सॉफ्टर होगा, फ्लफी टैबलेट होगा या ब्रिटल टैबलेट होगा। के वाई की वैल्यू हेकल प्लॉट के अकॉर्डिंग बताओ, के वाई की वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो क्या हुआ? लाल या लुब्रिकेंट बताओ, हार्डर। प्रियंका हार्डर बता रही है, आदित्य पायल ए, ऑप्शन ए प्रकाश पालिया हार्डर टैबलेट। जी हाँ, हार्डर टैबलेट यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ, हेकल प्लॉट में जब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हेकल प्लॉट पहले देख लेते हैं, फिर के वाई की वैल्यू भी देख लेते हैं। हेकल इक्वेशन किस पे बेस होता है? अजम्पशन, इस अजम्पशन पे। जैसे दिस इंटीफिकेशन ऑफ बल्क पाउडर अंडर फोर्स अलाउज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अलाउ करता है। इसमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है लॉग वन अपॉन ई के वाई पी प्लस के आर। के आर इज क्या है? इनिशियल रीपैकेजिंग स्टेट है। के वाई क्या है? मटेरियल डिपेंडेंट कांस्टेंट है जो कि यील्ड स्ट्रेंथ एस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। फिर क्या है कि अगर हेकल प्लॉट क्या हुआ, के वाई की वैल्यू हमारी ज्यादा हुई, अगर इस प्लॉट में हायर फाइनल स्लोप होता है के वाई का, तो जो इसका मतलब क्या होता है? हार्डर टैबलेट होता है, हार्डर टैबलेट हमारा ऑप्टेंड होगा। ठीक है डियर, चलिए आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यू बताइए। ए को लॉक कर दिया अनु, ए को लॉक कर दिया। अब अगला आंसर बताइए डियर, अगला क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है। उसमें से चार स्टेटमेंट है, चार में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, चारों गलत है, चारों सही है, दो गलत दो सही है, इसको बताइए। पी क्यू आर एस, पी में क्या है? कैरामिलाइजेशन अगर होता है एसिडिक कंडीशन में, क्या यह सही है? क्या कैरामेल ऑप्टिकल इन्वेक्टिव ग्लूकोज होता है, क्या सही है? क्या या कैरामेल ऑप्टेंड होता है बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, कुछ ये सही लग रहा है। जब हमारी ग्लूकोज की, सुगर की बर्निंग होती थी है ना, जब सुगर की बर्निंग होती थी तो क्या होता था, उसे हम क्या बोलते थे? कैरामेलाइजेशन। क्या ये सही है? कैरामेल किसके द्वारा? फ्रक्टोज के डिग्रेडेशन के द्वारा ऑप्टेंड होता है, सही है क्या? कौन सा पी क्यू टू रू है, आर एस हमारा फॉल्स है, या पी एस ट्रू है क्यू आर फॉल्स है, क्यू आर ट्रू है बस पी एस फॉल्स है, या आर एस ट्रू है पी और क्यू फॉल्स है, बताइए क्या होगा डियर? ऑप्शन आ रहा है यहां पे डी, डी आ रहा है, बताओ ऑप्शन क्या आ रहा है? डी, आर एन एस आर ट्रू बट पी और क्यू फॉल्स है, आर एस ट्रू है। यानी कि जी हाँ, कुछ सही लग रहा है कि ग्लूकोज की जब बर्निंग होती थी, क्या होती थी? ग्लूकोज की बर्निंग होती थी तो क्या होता था? यहाँ पे ऑप्शन यही सही होगा, तो कैरामेल या कैरामिलाइजेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो तो वो डिसकलरेशन हो जाता था, ब्राउन कलर का हो जाता था। क्या होता था? कैरामिलाइजेशन एक तरह से नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन होता है ना। क्या होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सुगर ब्राउनिंग भी बोलते हैं, है ना। कब बोलते हैं सुगर ब्राउनिंग? जब हमारा सुगर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हीट कर दिया जाता है तो कुछ ऐसा उसका कलर हो जाता है, उसी को हम कैरामिलाइजेशन बोलते हैं। और फ्रक्टोज वाला ऑप्शन भी था ना, कि फ्रक्टोज के उससे होता है, ठीक है। सो डी ऑप्शन विल बी राइट। चलिए अगला एमसीक्यू क्या बोला गया यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अगला एमसीक्यू क्या है कि चलो कोटिंग से है भैया,
कोटिंग से है, इस शब्द को ध्यान से समझो, इजिली समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया है? इन द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट लेबोरेटरी ए टैबलेट इज टू फॉर्मुलेटेड। जब हम टैबलेट बना रहे हैं, फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, अगर जब हम टैबलेट कोई बना रहे हैं तो जो कोर टैबलेट का जो बैड टेस्ट होता है, क्या है? बैड टेस्ट है। और ये फिजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन चाहिए, है ना, मॉइस्चर से। और टैबलेट को हमें कहाँ रिलीज करवाना है? कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। मान लो जब हम कोई टैबलेट बना रहे हैं और टैबलेट का टेस्ट बैड आ जा रहा है ना, और टैबलेट को हमें किससे? केमिकल प्रोटेक्शन, फिजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन देना है। साथ ही साथ हमें ऐसा टैबलेट बनाना था जो हम चाहते हैं कि वो एसिडिक फ्लूड में या पेट में ना, वहां होके, स्टोमक में ना होके, इंटेस्टाइन में रिलीज हो। तो उस पर किस प्रकार की कोटिंग करेंगे बताओ डियर? ठीक है, किस प्रकार की करेंगे बताओ? सुक्रोज बताओ क्या होता है, किस प्रकार से? सेल्युलोज एसीटेट फ्लैट। अरे ये ऑप्शन नहीं है बाबू डियर, अगला बताओ। नहीं पढ़ती, अगर पढ़ती तो टॉपर इन ऑल इंडिया। अरे वाह, बहुत सही। चलो मतलब जब हमें टैबलेट को इंटेस्टाइन में रिलीज करवाना हो, साथ ही साथ टैबलेट का अगर बैड टेस्ट आ गया उसको रिमूव करना है, या टैबलेट को फिजिकल केमिकल प्रोटेक्शन देना है, मेन आप यहीं से पकड़ लो कि इंटेस्टाइन में रिलीज कराना है, तो क्या क्या होगा? क्या होगा भैया? इंटरिक कोटिंग। इंटरिक कोटिंग करते हैं, ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। इंटरिक कोटिंग यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इंटरिक कोटिंग क्या करता है कि टैबलेट को अल्कलाइन पीएच में, यानी कि इंटेस्टाइन में रिलीज करवाता है, और बैड टेस्ट को भी रिमूव करता है, फिजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन भी देता है, ड्रग को मॉइस्चर से बचाने का भी काम करता है। ठीक है डियर, राइट है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिफर कर लीजिएगा लैकमैन बुक में, इस नंबर पेज पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछा जा भी सकता है इससे रिलेटेड। चलिए अब बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या था आपका? कि भैया जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड, दो ऑफिशियल स्टैंडर्ड बताओ अनकोटेड टैबलेट का आईपी के अकॉर्डिंग, यानी कि टैबलेट का जब हम इवेल्युएशन करते हैं तो कौन से ऐसे दो इवेल्युएशन पैरामीटर हैं जो कि ऑफिशियल पैरामीटर हैं, ऑफिशियल पैरामीटर है टैबलेट के, बताओ। ठीक है, बताओ। एचपीएमसी, फैलेट, सीएपी। चलो ऑप्शन, आगे वाले क्वेश्चन के सारे ये लोग आंसर बताते जा रहे हैं। फिलहाल आप ये बताओ भैया, दो कौन से टेस्ट हमारे ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ आईपी के हैं? क्या वो सेप है, फ्रेबिलिटी है, डिसइंटीग्रेशन टाइम है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट है? कौन सा? पी और क्यू होगा, पीएस होगा, क्यूआर होगा, या आरएस होगा? चलो बताओ, दो ऑफिशियल टेस्ट फॉर अनकोटेड टैबलेट एच पर आईपी, एच पर आईपी कौन सा होगा? ऑप्शन सी आ रहा है, सी आ रहा है, क्यू और आर। क्यू यानी फ्रेबिलिटी और डिसइंटीग्रेशन टाइम, ऑफिशियल की बात हो रही डियर, ऑफिशियल की। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, आर और एस होगा। क्या होगा? आर और एस, यानी कि डिसइंटीग्रेशन टाइम और यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, ये ऑफिशियल होगा। सेफ फ्रेबिलिटी तो अनऑफिशियल में आ जाता है। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। एक तरफ क्या बताया गया है, ऑफिशियल टेस्ट है टैबलेट का, इधर अनऑफिशियल, नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्या कर सकते हो, इजीली बता सकते हो, ऑफिशियल में यूनिफॉर्मिटी, वेट यूनिफॉर्मिटी, डिसइंटीग्रेशन टाइम हम करते हैं, रिजोल्यूशन टेस्टिंग करते हैं, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी देखते हैं, ये तो करते ही करते हैं ऑफिशियली। साथ ही साथ अनऑफिशियल टेस्ट में हम साइज से भी देखते हैं, टैबलेट की थिकनेस कितनी है, है ना, कलर यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं, हार्डनेस कितना है, फ्रेबिलिटी क्या है, पोरोसिटी, फिल्म कोटिंग टेस्ट करते हैं, फिजिकल स्टेबिलिटी करते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, है ना, सारी चीज देखते हैं। ठीक है डियर, चलो आगे चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है क्या है, अब देखो, ग्रुप वन, ग्रुप टू। अब ग्रुप वन में क्या है, कुछ फिल्म का डिफेक्ट है ना, जो फिल्म का डिफेक्ट है, टैबलेट कोटिंग का क्या है, डिफेक्ट है। जी हाँ मिस्टर फार्मा जी, बताइए टैबलेट कोटिंग का इधर डिफेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन मैच करिए। ऑरेंज पील इफेक्ट क्या होता है, शब्दों से मिला के मैच करके ऑप्शन बताना है। क्यों? ब्लिस्टरिंग क्या होती है, क्रैकिंग क्या होता है, ब्लूम क्या होता है? चलिए बताइए, सभी लोग बताइए क्या होता है ऑरेंज पील इफेक्ट, यानी कि ऑप्शन ये, इन एडिक्वेट स्प्रेडिंग जब हो जाती है कोटिंग सॉल्यूशन की ड्राइंग से पहले, जो कि क्या करता है, बंपिंग इफेक्ट शो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं,
बताइए या आप लिस्टनिंग, अगला हमारा क्या है कि एक ऐसा इट इज द रिजल्ट ऑफ ड्राइंग कोटेड टैबलेट इन ओवन ड्यू टू रैपिड इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट। जब कोटेड टैबलेट को हम ओवन में क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, तो रैपिड इवेपोरेशन हो जाता है सॉल्वेंट का, यानी कि हाई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ जाता है किसपे, इसपे टैबलेट की कोटिंग पे। तो वो इफेक्ट क्या कहलाएगा, ब्लिस्टरिंग कहलाएगा, क्रैकिंग कहलाएगा, ब्लूम कहलाएगा। ऑप्शन बताओ सभी लोग, चलो ऑप्शन ए आ रहा है, बेस्नवी। ठीक है, अगला क्या है, क्रैकिंग में क्या होता है, अकर कब होता है, ड्यू टू द प्रोसेसिंग टेम्परेचर यू इज यूज टू हाई, यानी जो टेम्परेचर टू हाई बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन में, उसे क्या बोलते हैं। और अकर इफ इंटरनल स्ट्रेस ऑफ फिल्म एक्सीड टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी इंटरनल स्ट्रेस एक्सीड कर सकती। सर डिफरेंस बिटवीन हेजिंग डल फिल्म एंड ब्लिस्टरिंग, ठीक है अभी आते हैं, बताते हैं, बताओ ऑप्शन पहले बताओ डियर। प्रियंका ऑरेंज पील, यानी कि ऑरेंज पील इन एडिक्वेट स्प्रेडिंग, ठीक है ऑरेंज पील यानी इन एडिक्वेट स्प्रेडिंग, यानी कि पी का वन हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्लिस्टरिंग में रैपिड इवेपोरेशन हो जाता है, यानी कि क्विक, क्यू का टू हुआ, ठीक है आर का क्या हुआ, आर का ब्लूम, यानी प्रोसेसिंग टेम्परेचर टू हाई हो गया, प्रोसेसिंग टेम्परेचर टू हाई यानी कि आर का थ्री हो गया, क्या आर का थ्री हो गया, बताओ डियर आर का क्या हुआ, ये हो गया आर का गलत है, बताओ यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पी का वन, क्यू का टू, आर का फोर, एस का थ्री। यहाँ आप देख सकते हो, देख सकते हो क्या ऑरेंज पील इफेक्ट में क्या होता है, इन एडिक्वेट स्प्रेडिंग होती है कोटिंग की, फिर ब्लिस्टरिंग में क्या होता है, टू रैपिड इवेपोरेशन हो जाता है सॉल्वेंट का जब हम ज्यादा हाई टेम्परेचर दे देते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है हमारा, अगला क्या है, ब्लूमिंग क्या है, ब्लूमिंग क्या बताया गया, जब हम टू हाई प्रोसेसिंग टेम्परेचर देते हैं फॉर्मुलेशन पे तो प्लास्टिसाइजर डिक्रीज कर देता है और मॉलिक्यूलर वेट हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही था, ए सही था, ठीक है हाँ पक्का है। ठीक, चलो अगला क्या है, डाइक्लोफिनेक टेबलेट कोटेड विद, चलिए ये बताइए अभी इसका ऑप्शन सभी पहले ही बता दे रहे थे, कई लोग थे। ठीक है पुष्पेंद्र, तुम भैया आपस में बात कर लो कि ऑप्शन देख लो, पहले ऑप्शन भी तो देख लो फिर बात करना एक दूसरे से। चलो क्या बताया गया है कि डाइक्लोफिनेक टैबलेट किसके साथ, किसके साथ कोटेड है, किसके साथ, सेल्युलोज एसीटेट फ्लैट, यानी कि सेल्युलोज एसीटेट फ्लैट के साथ अगर वो कोटिंग है और एडमिनिस्टर्ड किया जा रहा है पेशेंट में, है ना, तो वो कहाँ रिलीज होगा भैया, अब बताइए जो डाइक्लो, क्या डाइक्लोफिनेक के साथ जो सेल्युलोज एसीटेट फ्लैट है वो किस कोटिंग की है, किस कोटिंग में यूज किया जाता था, बताओ किस कोटिंग में, इंटरिक कोटिंग में ना, किसमें, तो कहाँ रिलीज होगा, कहाँ रिलीज होगा, इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि लीवर के अंदर रिलीज दिखा रहा है, नहीं होगा ओरल कैविटी में, तो नहीं होगा, स्टोमक और इंटेस्टाइन ऑप्शन था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेस्टाइन सही होगा, क्यों, क्योंकि ये जो क्या है पॉलीमर है इसको कहाँ यूज करते थे, डाइक्लोफिनेक के साथ, जो कि हमारा डाइक्लोफिनेक है सेल्युलोज एसीटेट फ्लैट के साथ कोटिंग कर दिया, तो हमारा क्या हुआ, रिलीज हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्यों, क्योंकि एक एंटरिक कोटेड टैबलेट में ये यूज होता है, और एंटरिक कोटेड टैबलेट एसिडिक कंडीशन में इन्वॉल्व नहीं होती, एसिडिक कंडीशन में डिसॉल्व नहीं होती, वो सिर्फ अल्कलाइन पीएच पे ही, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अल्कलाइन पीएच पे ही क्या होती है, डिसॉल्व होती है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो। अगला अगला जो हमारा एमसीक्यू होने वाला है क्या है डियर, बताओ सभी लोग बताओ डियर, अगला एमसीक्यू चलो क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक हमारा एसेसर, एक कथन है, और उस कथन को लेके अगला हमारा रीजन है, क्या वो कथन और रीजन दोनों सही है या एसर्शन सही है रीजन गलत है, इसी को बताना है आपको। पहले एसर्शन क्या है कि जब हम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीकंप्रेशन इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन अकर, जब हम डीकंप्रेशन होता है, पहले कंप्रेशन होता है डाई वॉल में, फिर जब डीकंप्रेशन होता है तो क्या टैबलेट में एक्सपेंशन होता है, क्या ये ऑप्शन सही है, या रीजन बताया गया है कि एक्सपेंशन अकर हो रहा है कुछ टैबलेट में, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो कि अकर्ड होता है ड्यूरिंग डीकंप्रेशन प्रोसेस या कंप्रेशन प्रोसेस, है ना। पहले असर्शन और रीजन हमारा क्या है, ए और आर में क्या है, बोथ ए आर ट्रू है या आर करेक्ट है ना,
करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, बोथ ए आर ट्रू है बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ए ट्रू है आर फॉल्स है या ए फॉल्स है आर ट्रू है। बहुत सोच समझ के ऐसे क्वेश्चन आपको करने होंगे जहां पे कुछ सेंटेंस दिया हो, कुछ ऐसा दिया हो, रीजन दिया हो, है ना। इस बार का क्वेश्चन है जीपैट का, जी हाँ इस बार का है 21 का, ठीक है। चलो बताओ पेपर कब है जीपैट का, होता है फरवरी मार्च तक होता है। चलो ऑप्शन डी आ रहा है, ए आ रहा है, डी ए, डी ए में लगता है कुछ भी नहीं सही है। चलो बताओ अभी कौन था जो सबसे ज्यादा ऑप्शन बता रहा था, बता दिया। चलो यहाँ पे ए ट्रू है आर फाल्स है, जी हाँ। देखो जब हमारा क्या होता था, डीकम्प्रेशन होता था टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग में, जब डाई में कंप्रेशन हुआ फिर डीकम्प्रेशन हुआ था, तो कुछ टैबलेट में क्या होता था, क्या होता था, एक्सपेंशन अकर हो जाता था, ये तो सही था, है ना। लेकिन उसका रीजन बताया गया है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता था, ये रीजन नहीं था। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीकम्प्रेशन जब हमारा क्या करता है, न्यू सेट ऑफ स्ट्रेस होता है टैबलेट में, जो कि इलास्टिक रिकवरी के दौरान होता है ना, प्लास्टिक रिफॉर्मेशन नहीं होता, इलास्टिक रिकवरी के दौरान होता था, जिससे कुछ टैबलेट हमारे एक्सपेंस कर जाते थे, है ना, वो हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा एमसीक्यू क्या होने वाला है, इन द प्रोसेस ऑफ एडिंग लुब्रिकेंट टू अ ग्रेनुलेशन द लुब्रिकेंट इज डिवाइडेड फाइनली बाय पासिंग इट थ्रू 60 to 100 मेस नायलॉन क्लॉथ ऑन टू द ग्रेनुलेशन इज प्रोडक्शन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। देखो जब हम लुब्रिकेशन क्या होता था बताओ, बॉल्टिंग। चलिए पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, इतना तेज ऑप्शन बताओगे डियर, है ना। लुब्रिकेशन के दौरान, है ना, जब हम ग्रेनुलेशन के दौरान जब हम लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट हम ऐड करते थे, तो लुब्रिकेंट को क्या करते थे, फाइनली डिवाइड करते थे और उसको 60 to 100 मेस ऑफ नायलॉन क्लॉथ से पास करते थे, उस दौरान उस प्रोसेस को लुब्रिकेंट ऐड करने की, उस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, क्या कहते थे, बॉल्टिंग कहते थे, चरखा कहते थे, अरिस्टोल कहते थे या सिडलर, बताओ क्या कहते हैं। ये सब तो चरखा, अरिस्टोल, सिडलर, ये तो कोई और ही है ना। ऑप्शन ए प्रत्युष यादव, पीयूष यादव, ऑप्शन सी कैसे होगा, ये लोग तो कोई वैज्ञानिक का नाम है, बॉल्टिंग। जी हाँ बॉल्टिंग क्या होता था, जब हम क्या होता था, लुब्रिकेंट का एडिशन होता था तो हम उसको फाइनली डिवाइड करते थे और 60 to 100 नंबर में से सीव नंबर 60 से 100 जब पास करते थे, है ना, नायलॉन क्लॉथ से, तो वो हमारा क्या कहलाता था, बॉल्टिंग द लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की बॉल्टिंग कहलाती, ठीक है डियर। चलो ये होगा हमारा राइट आंसर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया है बताओ डियर। सिडलर, जी हाँ फार्माकोग्नोसिस से है तो उनका कोई लेना देना नहीं है, अरिस्टोल भी कहीं और से है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए बताइए, चूज द करेक्ट एक्सिपिएंट फॉर इनहांसिंग सॉल्युबिलिटी इन टैबलेट, यानी कि टैबलेट में सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है, सॉल्युबिलिटी इनहांस करना है, तो करेक्ट एक्सिपिएंट कौन सा होगा, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल होगा, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज होगा, टाल्क होगा, लैक्टोज होगा, टाल्क लैक्टोज तो नहीं लग रहा है, बताओ क्या होगा डियर सभी लोग, चलो बताओ कि जब हम क्या बढ़ाना है टैबलेट को, टैबलेट की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो कौन सा एक्सिपिएंट डालेंगे, कौन सा एक्सिपिएंट, पहले ऑप्शन बताओ फिर बताते हैं रीजन, ठीक है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन बहुत रॉन्ग हो रहा है, हाँ वो थोड़ा सा सेंटेंस वाली बात आ जाती ना तो उसको बहुत ध्यान से, उसको कोशिश किया करिए लास्ट में करने की, है ना, क्यों, क्योंकि वो टाइम टेकिंग भी होता है, थोड़ा सा समझने वाला होता है, ठीक है मिस्टर फार्म बियर, क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं, पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल, जी हाँ पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल करता क्या है, हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है, क्यों, जो टर्म होता है सॉलिड डिस्पर्सन, क्या डिफाइन किया गया, डिस्पर्सन ऑफ ड्रग इन सॉलिड मैट्रिक्स, जहां पे मैट्रिक्स या तो स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकता है या पॉलीमर हो सकता है, अब पॉलीमर कौन कौन से होते हैं, या तो पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल हुआ, एचपीएमसी हुआ, है ना, जो कि हमारे इंप्लॉयड किए जाते हैं प्रिपेयर्ड सॉलिड डिस्पर्सन में, पुअरली जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होते हैं ओरल टैबलेट में डोजेज फॉर्म में, वहां पे हमारे पीईजी एचपीएमसी डाले जाते हैं, जो कि सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को इनहांस करने का काम करते हैं, ठीक है डियर। पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, जी हाँ पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल पीईजी सही होगा। अगला हमारा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एवरेज वेट ऑफ टैबलेट अगर 450 mg है,
तो कितना परसेंट डिफरेंस अलाउ होना चाहिए वेट यूनिफॉर्मिटी में? तेज बच्चे हैं? हाँ, बहुत तेज हैं। ठीक है, देखो जब हम क्या पढ़ते हैं, अगर हमने क्या देखा था कि जो वेट यूनिफॉर्मिटी देखा था, अगर 450 mg तक की टेबलेट है ना, एक रेंज बताया गया था और कितना परसेंटेज उसमें फ्लक्चुएशन हो सकता था उसके वेट यूनिफॉर्मिटी में। बताओ कि अगर एवरेज वेट है 450 mg तो कितना परसेंट वेरिएशन हो सकता है जी? 10% हो सकता है, या 5% हो सकता है, 7%, या 1% हो सकता है? बताओ, ऑप्शन बी आ रहा है, बताओ। चलो, यानी कि अगर एवरेज वेट है 450 mg, कैसे? चलो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी आ रहा है। जी हाँ, 5% तक फ्लक्चुएशन हो सकता है, यानी कि जितना वेट है उसके 5% प्लस माइनस, या तो 5% कम, 5% या तो ज्यादा फ्लक्चुएशन आ सकता है। देखो, एक एवरेज वेट ऑफ टेबलेट आईपी के अकॉर्डिंग, यूएसपी के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम जो परसेंट डिफरेंस कितना है, चार्ट को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम देगा। देखो, आईपी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था? आईपी के अकॉर्डिंग अगर 80 mg या उससे कम का टेबलेट है तो उसमें परसेंटेज डिफरेंस प्लस माइनस 10% हो सकता है, और 80 से 250 mg है तो उसमें कितना, 7.5% डिफरेंस हो सकता है, या तो कम हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है। अगर आईपी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि आईपी और यूएसपी के अकॉर्डिंग बस क्या है, एमजी का चेंज है, बाकी जो परसेंटेज डिफरेंस है वो लगभग सही है। ठीक है, देखो अगर 250 mg से ज्यादा, क्या बताया गया है, 250 mg से ज्यादा की टेबलेट है या उससे भारी टेबलेट है तो उसमें जो वेट वेरिएशन का डिफरेंस कितना हो सकता है, 5% से कम या 5% से ज्यादा हो सकता, बस इतना हो सकता है ना? मॉड्यूल में है जी हाँ, मिस्टर फॉर्म मॉड्यूल में देख सकते हो। ठीक है, तो ये चार्ट आप नोट डाउन कर सकते हो। पूछ दिया 80 mg या 72 mg, 70 mg का है तो कितना, तो प्लस माइनस 10 लगाओगे। अगर 120 mg पूछा है तो वहां पे प्लस माइनस 7.5 लगाओगे। ठीक है डियर, यानी कि वेट के हिसाब से कितना डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा एमसीक्यू क्या है, विच फिलर कैन नॉट, यहाँ पे नॉट आंसर आ गया, इसी हिसाब से ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा फिलर यूज नहीं किया जाता, किसके लिए, टैबलेट के प्रिपरेशन के लिए, किसके लिए, फॉर अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग टू अवॉइड डिस्कलरेशन, यानी कि ऐसी बेसिक ड्रग जो कि अमाइन रखती है ना, अमाइन रखती है, उसमें टैबलेट का डिस्कलरेशन हो जाता है, तो कौन सा फिलर या कह लो डाइल्यूएंट हमारा इसमें यू ऐड नहीं किया जाता, जिससे भैया अमीन जो बेसिक ड्रग है यानी उसका क्या हो सकता है, डिसकलरेशन हो सकता है। किस को अवॉइड किया जाएगा, डाइकैल्शियम फॉस्फेट को, या एमसीसी को, या स्टार्च को, या लैक्टोज को, किसको अवॉइड किया जाएगा ताकि हमारा टैबलेट का डिसकलरेशन ना हो? क्यों? क्योंकि भैया टैबलेट क्या है, एमाइन कंटेनिंग बेसिक ड्रग है, इसीलिए किस हमारे उसके एक्सिपिएंट या फिलर के द्वारा वो डिसकलरेशन हो सकता है, बताओ। माइलार्ड रिएक्शन, जी हाँ, ऑप्शन हमारा क्या होगा, लैक्टोज। लैक्टोज क्यों था, क्योंकि माइलार्ड रिएक्शन तो करता है, माइलार्ड रिएक्शन में होता क्या था, डिसकलरेशन हो जाता है, डिसकलरेशन हो गया भैया, ऑप्शन डी था भैया, ए बता रहे हो, कहां से ए बता रहे हो? ठीक है, ऑप्शन डी, कोई ऑप्शन ई बता रहा है, एक से एक यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन डी यानी लैक्टोज, क्यों, क्योंकि भैया क्या, माइलार्ड रिएक्शन शो करता है जिससे डिसकलरेशन हो सकता है ना? यहाँ पे देख सकते हो कि लैक्टोज अगर है और अमीनो ड्रग है तो अल्कलाइन ल्यूब्रिकेंट है, मैग्नीशियम स्ट्रेंथ, यानी कि टेबलेट का डिसकलरेशन हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 38 क्या पूछा गया है बताओ, मिस्टर फार्मा, बहुत सही, राइट डियर। चलो, फ्रायबिलिटी इशू ऑफ द टेबलेट कैन बी सॉल्व बाई डिफरेंट वेज, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक नहीं होगा बाकी तीनों होगा, कि जो फ्रायबिलिटी इशू होता है टैबलेट का, है ना, टैबलेट का जो फ्रायबिलिटी इशू होता है उसको अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, तीन तरीकों से सॉल्व किया जाएगा, लेकिन एक तरीका एक्सेप्शन होगा, एक तरीका से सॉल्व नहीं किया जाएगा, वही तरीका या वही प्रोसेस हमें बताना है ना? चलो बताओ कि जब हम फ्रायबिलिटी देखते हैं टैबलेट का, जो फ्रायबिलिटी इशू होता है टैबलेट में, तो किस किस तरीकों द्वारा रिजॉल्व किया जा सकता था? ऑप्शन ए क्या है, इंक्रीज कर देंगे अपर पंच का प्रेशर,
और टैबलेट मशीन, यानी पंच है अपर पंच लोअर पंच, इसका प्रेशर क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए, क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए, या एडिशन कर दो मोर बाइंडर, वो ग्रेन्यूल ग्रेन्यूल में बाइंडर को ज्यादा और ऐड कर दो, या मॉइस्चर कंटेंट ग्रेन्यूल में क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, या लोअर पंच प्रेशर को टैबलेट मशीन में एडजस्ट कर दो, कौन सा एक्सेप्शन नहीं होगा, तीन चीज करोगे तो हमारा फ्रेबिलिटी का चलो जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन क्या है, ऑप्शन राइट बताओ डियर, ऑप्शन डी, डी आर आर सी आर है। चलो देख लेते हैं कि हम क्या करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट ग्रेन्यूल का इंक्रीज कर देंगे तब फ्रेबिलिटी नहीं होगी, या हम देखो मॉइस्चर कंटेंट कर देंगे तो फ्रेबिलिटी नहीं होगी, यानी उसका इशू रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। हाँ वो तो प्रोसेस बता रहे हो आप आदित्य, ठीक है चलो देखते हैं, यानी कि क्या नहीं कर सकते, यानी लोअर पंच का प्रेशर घटाने से एडजस्ट बढ़ाने घटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि अगर आप मॉइस्चर ग्रेन्यूल वो ऐड कर दिए थोड़ा सा बाइंड हो गया, अच्छे से बाइंड हो गया, यानी बाइंडर भी ऐड कर दिए ग्रेन्यूलेशन में तो बाइंडिंग कैपेसिटी अच्छी है तो वो फ्रायबल नहीं होगा, फ्रायबिलिटी वहां पे नहीं होगी, और अपर प्रेशर का पंच अच्छे से कर दिया यानी अच्छे से पंच है तो वो क्या होगा, पंचिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो फ्रायबल नहीं हो पाएगा, फ्रायबिलिटी इशू नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रायबिलिटी क्या होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है ना जिसमें स्पीड इतना रखते हैं 25 RPM, ड्रॉपिंग डिस्टेंस 6 इंच होता है, इस टेबल से सब कुछ देख सकते हो, टोटल आरपीएम 100 RPM 4 मिनट के लिए, एक में 25 तो 4 में 100 RPM हो गया, परसेंटेज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 0.57% हो जाना चाहिए। अब रेमेडीज क्या है, जो अगर फ्रायबिलिटी इशू आ रहा है टेबलेट में तो किस किस चीजों के द्वारा हम उसको रिजॉल्व कर सकते थे, सबसे पहले क्या करते हैं कि अपर पंच का प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं या एडिशन कर सकते हैं मोर टैबलेट बाइंडर का, है ना, बाइंडर का एडिशन कर दिया वहां पे हो गया, फिर क्या हुआ, इंक्रीज कर दिया मॉइस्चर कंटेंट ग्रेन्यूल का, वहां से हमारा क्या हो जाएगा, फ्रायबिलिटी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन लोअर पंच का प्रेशर एडजस्ट करने का कोई सीन यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है, तो वो हमारा एक्सेप्शन वाला हो गया आंसर, ठीक है डियर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या है, 39। दो ग्रुप दिए गए हैं, एक हमारा क्या है टैबलेट के एडिटिव है और उसका एग्जांपल है, बाइंडर का एग्जांपल बताइए, इनसॉल्युबल जो ल्यूब्रिकेंट है उसका एग्जांपल पढ़े होंगे आप लोग, बताओ जल्दी, फिल्म कोटिंग मटेरियल को मिलाना है बताओ, डायरेक्ट कंप्रेशन जो डाइल्यूएंट होते हैं उस कौन कौन सा हमारा एग्जांपल हुआ। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बताओ, बाइंडर की, बाइंडर क्या होता है ना, बाइंड करता है चीजों को, बताओ मजाक मत करो, बताओ डियर, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा पहले, फिलहाल यहां देखो आप, ठीक है, ऑप्शन डी, अनु बताइए। चलिए क्या होगा कि बाइंडर हमारा क्या होगा, एकेसिया होगा, क्या इनसॉल्युबल जो ल्यूब्रिकेंट होता है, ल्यूब्रिकेंट हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे फ्रिक्शन को दूर करता है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ हो सकता है। फिल्म कोटिंग बताओ, ऑप्शन बताओ, P का 1 कहां है, क्या 1 का P, 2 का Q है क्या, है ना, कुछ ऑप्शन डी सा लग रहा है, 3 का R है क्या, 3 का R है क्या, यानी कि फिल्म कोटिंग मटेरियल में हाइड्रोक्सी एथिल सेल्यूलोज यूज करते थे क्या, डी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि डायरेक्ट कंप्रेशन डाइल्यूएंट हमारा MCC माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज यूज करते थे, देख लेते हैं, जी हाँ ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, प्रियंका पांडे, बाइंडर एकेसिया, वेरी गुड, बहुत सही, राइट आंसर, किसकी बात की जाएगी, बाइंडर की बात की जाएगी, तो वहां एकेसिया भी ले सकते हैं, ट्रेगाकन स्टार्च ले सकते हैं, फिल्म कोटिंग मटेरियल हमारा पहले आपको बताया था क्या था, HPMC हाइड्रोक्सी एथिल सेल्यूलोज था, और ल्यूब्रिकेंट में हम लाइट मिनरल ऑयल हुआ, मैग्नीशियम स्टोरेट हुआ, है ना, ये सारी, और हमारा डाइल्यूएंट ग्लाइडेंट, ये सारा चार्ट से आप सबको देख सकते हो, एक्सेप्टेंस लेस देन 1%, जी हाँ पिछले क्वेश्चन में आप थे। चलो आगे चलते हैं, अगला MCQ हमारा एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे देख सकते हो, MCQ नंबर 40 क्या पूछा गया है कि टैबलेट का डिफेक्ट है और क्या एक्सप्लेनेशन उसको मैच करना है, कि भैया पिकिंग क्या होता है, स्टिकिंग क्या होता है, मोटलिंग क्या होता है, लेमिनेशन क्या होता है बताओ, पिकिंग क्या होता है, एक टर्म जब हमारा यूज किया जाता है क्या डिस्क्राइब करने के लिए, सरफेस मटेरियल टैबलेट का क्या होते हैं, स्टिक कर जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं अदर सरफेस से पंच के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं, पिकिंग बोलते हैं क्या, ऑप्शन बताओ डियर, ऑप्शन डी आ रहा है क्या, P का 4, ऑप्शन बताओ इसमें डियर,
क्या होता है स्टिकिंग, क्या होता है ऐसा टर्म, यानी कि जब टर्मलेट मटेरियल एडहेयर कर जाता है डाई वॉल से, क्या वो स्टिकिंग होता है, क्या क्या वो स्टिकिंग कहा जाता है क्या, बताओ। मॉडलिंग क्या होता है ऐसा टर्म, बताओ ऑप्शन बताओ, मिलान करके ऑप्शन क्या होगा, ठीक है चलो अथर्व बताओ, ऑप्शन ये आ रहा है ऑप्शन, यानी कि पिकिंग क्या होता है, क्यू का टू, टू आर का थ्री, एस का फोर, यानी कि सब सीधे सीधे ही मिला दिए, ठीक है चलो ए ऑप्शन हमारा कुछ सही लग रहा है। देख लेते हैं पिकिंग मॉडलिंग ये सब टैबलेट की डिफेक्ट्स है, इसको तो आपको पता होना ही होना चाहिए। जी हाँ ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जी हाँ कैसे कैसे भैया, कि कैपिंग लेमिनेशन क्या होता है, देखो पिकिंग क्या होती है, पिकिंग जब हमारी मटेरियल अडेयर कर जाती है पंच से, है ना, पिकिंग या स्टिकिंग बोलते हैं, ठीक है। कैपिंग या लेमिनेशन क्या होती है, कैपिंग क्या होती है पार्शियल या कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है टैबलेट का, है ना। लेमिनेशन क्या होता है, दो या डिस्टिंक्ट लेयर में जब टैबलेट हमारी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। वेट वेरिएशन में होता है। मॉडलिंग क्या होती है, जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैबलेट के कलर का, उसे मॉडलिंग बोलेंगे। शिपिंग क्या होती है, टैबलेट जो कि सार एज हमारा रखता है ना, ये सारे क्या है टैबलेट के डिफेक्ट्स है, उसको देख सकते हो आप। चलो अगला एमसीक्यू क्या है, ठीक है बाय सर गुड नाइट, ठीक है जाओ चलो बताओ। विच विस्कोसिटी ग्रेड ऑफ पोविडोन इज वाइडली यूज्ड एज अ बाइंडर एंड टैबलेट कोटिंग मटेरियल, पोविडोन के है ना कौन सा ग्रेड यूज किया जाता है एज अ बाइंडर और एज अ कोटिंग मटेरियल। पोविडोन का चार ग्रेड था, चारों ग्रेड तो ये हो गया K15 हो गया, K16 हो गया, K19, K13, अब कौन सा ग्रेड हमारा एज अ बाइंडर और एज अ कोटिंग मटेरियल यूज होगा। चलो ऑप्शन बता दिए, पोविडोन K30 ऑप्शन डी आ रहा है ना, ऑप्शन डी ठीक है, अनु का चक्कर में गलत हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो राइट ऑप्शन विल बी K30। जी हाँ पोविडोन के कितने ग्रेड थे, टोटल चार ग्रेड है ना, चार ग्रेड कौन कौन से है, चार विस्कोसिटी ग्रेड 15, 13, 16, 19। लेकिन बात की जाती है जो K13 होती है वो फ्रीक्वेंटली यूज हो जाती है एज ए टैबलेट बाइंडर और टैबलेट की कोटिंग में। पोविडोन का कौन सा ग्रेड K30 ज्यादातर यूज किया जाता था, क्वेश्चन आता भी है आया भी है, ठीक है मेरे चक्कर में एमसीक्यू। चलो आगे बताओ, आपस में बात नहीं करो। चलो क्वेश्चन नंबर 42, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूलिंग फॉर टैबलेट प्रिपरेशन, टैबलेट प्रिपरेशन में जो टूलिंग होती है कौन सी, ग्रेड बताया गया यहाँ पे बीबी से डिनोट किया गया, बी डी या ए, कौन सा टूलिंग हमारा मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता था बताओ। सागर गुप्ता ऑप्शन ए, सागर ऑप्शन बताइए बीबी, पी डी या ए, टैबलेट के हमारे प्रिपरेशन में जो टूलिंग सबसे ज्यादा, अश्विनी सैनी ऑप्शन बताइए 42 नंबर का बताओ डियर, ठीक है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ रहा है किसी का, ऑप्शन बीवी आ रहा है, बीवी भी ऑप्शन आ रहा है, डी आ रहा है, ए आ रहा है, चलो देख लेते हैं क्या होगा। बी बी डबल बी, जी हाँ डबल बी, अभी आप लोग पीछे हैं कि डबल बी टूलिंग होती है हमारी टैबलेट के प्रोडक्शन में, बीवी टाइप का जो मोस्ट कॉमन टूल होता है वो बीवी टूलिंग होती है और 5.25 इंचेस में लेंथ में होती है और नॉमिनल बैरल डायमीटर कितना होता है 0.75 इंचेस होती है, एक इंच हेड डायमीटर होता है और ये हमारा टाइप क्या होता है बीवी टाइप होता है, ठीक है चलो राइट आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन बताइए जी, कोई वाईफाई दो मिनट नहीं चल रहा है, ऑप्शन बताओ डियर, आप लोग बात करने लग जा रहे हैं। देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, अब करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि भैया ब्रांड नेम क्या क्या किसका है ना। चलो जेप्रॉक्स ब्रांड नेम है माइनिटॉल का, क्या ये ऑप्शन सही है क्या, एम्बरटिल है ना, एम्बरलाइट सॉरी एम्बरलाइट क्या है ब्रांड नेम, डेक्सट्रोज का ब्रांड नेम एम्बरलाइट है क्या, या एविसेल है, एविसेल ब्रांड नेम है एमसीसी का, एमसीसी का ब्रांड नेम एविसेल है, या प्रिमोजेल क्या है आयन एक्सचेंज रेजिन है। चलो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट जी हाँ ऑप्शन सी आएगा, पिछले जो हमने क्या दिखाया था एक टेबल दिखाया था ना, टेबल में ये चीजें थी। चलो ऑप्शन यहाँ पे सी, सी आ रहा है सी, ज्यादातर ऑप्शन ए नहीं होगा सी होगा। चलिए कुछ केमिकल के नेम है उनके ब्रांड नेम क्या क्या है, यहाँ पे इस चार्ट को आप नोट डाउन कर सकते हो, पूछता है क्वेश्चन, यहाँ पूछा था किसका एविसेल किसका ब्रांड नेम है, तो एमसीसी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज का,
मैनिटॉल का ब्रांड नाम, ब्रांड नेम यहाँ पे पेरिटॉल है, डेक्सट्रॉल का देख लो, हाइड्रोलाइज स्टार्च का देख लो, आयन एक्सचेंज रेजिन का देख लो, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज का, हाइड्रोलाइज स्टार्च का, है ना, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एमसीक्यू 44 क्या पूछा गया है? रॉन्ग स्टेटमेंट, वहां पे करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना था, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, चलो, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर टाइप 3 अब डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस से है, डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस देखा था ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, उसके नाम आपको याद करना है सिंपली। उससे एक क्वेश्चन आता है, क्या है कि भैया रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर को टाइप 3 डिसोल्यूशन अपरेटस की तरह जाना जाता है या बोला जाता है। पैरेलल ओवर डिस्क टाइप 5 हुआ क्या? रोटेटिंग सिलेंडर टाइप 4 डिसोल्यूशन अपरेटस हुआ क्या? या रेसिप्रोकेटिंग होल्डर टाइप 7 डिसोल्यूशन अपरेटस का बोला जाता है? रॉन्ग स्टेटमेंट यानी कि जो गलत है उसको यहाँ पे पकड़ना है, गलत ऑप्शन बताना है। बताओ गलत क्या है? टाइप 3 हमारे जो डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस था उसे क्या बोलते थे? रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर बोलते थे। पैरेलल ओवर डिस्क टाइप 5 था, जी हाँ, रोटेटिंग सिलेंडर। कुछ यही थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्यों? क्योंकि भैया, क्योंकि जो टाइप 4 होता है, उसे क्या बोलते हैं? फ्लो थ्रू सेल। क्या बोलते हैं? फ्लो थ्रू सेल। ये चार्ट आप नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंडस्ट्रियल फार्मेसी लैकमेन की बुक में देखोगे तो अपरेटस के टाइप से उनका जो क्या है नाम, क्या किस नाम से जाना जा सकता है और कहाँ कहाँ यूज होता है ना, इसको नोट डाउन कर सकते हो, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है डियर, देखो टाइप 4 यानी कि फ्लो थ्रू सेल बोला जाएगा, लेकिन ऑप्शन हमारा रॉन्ग था कि उसे रेसिप्रोकेटिंग बोला गया। चलिए आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 45। अब यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो भैया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होने वाला है? प्रियंका पांडे टाइप 1 बास्केट। बहुत सही, इतना तेज लिख के और ऑप्शन भी बता दे रहा हूँ, वेरी गुड। चलो, डिसइंटीग्रेशन अपरेटस सीव नंबर, मेस नंबर या सीव नंबर 10 यूज करता है, या डिसोल्यूशन अपरेटस सीव नंबर 40 यूज करता है, या डिसोल्यूशन रिलेटेड होता है एफिकेसी ऑफ ड्रग से, या टेम्परेचर फॉर डिसोल्यूशन होता है 37°C +-2°C। यहाँ पे कभी कभी प्लस माइनस क्या होता है? 0.5, इसको ध्यान देना। ये अब हमको क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। बताओ डियर, बताओ, डिसइंटीग्रेशन अपरेटस 10 नंबर बेस साइज या सीव नंबर 10 यूज करता था क्या? सही है। डिसोल्यूशन अपरेटस 40 नंबर में साइज का हमारा सीव नंबर यूज करता था क्या, है ना? चलो देख लेते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। जी हाँ, टेम्परेचर ऑफ डिसोल्यूशन, यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर ऑफ डिसोल्यूशन कितना होना चाहिए? 37 +-0.5। और डिसइंटीग्रेशन का होता है 37 +-2°C। लेकिन पूछा है, बोला गया था स्टेटमेंट्स में कि डिसोल्यूशन का इतना होता है, लेकिन वो हमारा रॉन्ग था। ठीक है, जी हाँ, राधेश्याम चौरसिया इफेक्ट ऑफ ड्रग कहां से आ गए आप? इफेक्ट ऑफ ड्रग को बोलते हुए चलो आगे चलते हैं। 46 नंबर क्या बताया गया? बताओ डियर, बताओ क्या है? आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट को आप पहचानिए यहाँ पे, है ना, कि जो फ्लैट होता है वो कंटेन करता है डाइकार्बोक्सिल एसिड ग्रुप फुली स्टेराइड फॉर्म में, या सुगर टैब हमारे चार्ट में था, टेबल में था कि 97% सुक्रोज +3% इन्वर्ट सुगर रखता है क्या? करेक्ट हमको यहाँ पे चूज करना है, या बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट वो फॉर्मुलेटेड करने चाहिए ब्लेंड एक्सिपिएंट के यूज के द्वारा, या सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इंटरिक कोटेड टैबलेट में, बताइए। चलिए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन बताओ, भूल जाते हैं ट्रिक बता दीजिए, ट्रिक देखो क्या होता है, ट्रिक बता देंगे अभी तो फिलहाल है, आपको क्या होता है टाइप याद करना है, पैडल ओवर डिस्क या पैडल टाइप रोटेटर टाइप, बहुत आसान है, 6-7 तो टोटल ऑपरेटर्स एंड ईयर, है ना, ट्रिक बन जाएगी आसानी से, उसको तो याद करना ही करना है। क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन बी आ रहा है सी आ रहा है, चलो क्या होता है? बी करेक्ट है क्या? सुगर टैब में इतना होता है क्या? मुझे लगता है नहीं होता है, जी नहीं,
ऑप्शन सी कुछ हद तक सही लग रहा है, क्यों? यहाँ बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट वो किसके द्वारा? ब्लैंड एक्सीपिएंट के द्वारा। आप क्या बता रहा था? कोई भी बता रहा था ना, सुगर टाइप में 90 से 93% सुक्रोज होता है, 7 से 10% हमारा इन्वर्ट सुगर होता था। लेकिन जो बक्कल और सबलिंगुअल टैबलेट की बात की जाती है वो किसके द्वारा? ब्लैंड एक्सीपिएंट के द्वारा, जो कि सिमुलेशन सलाइवेशन में यूज नहीं होता है। बताओ, ठीक है, यही होगा। ठीक है, ये होगा राइट ऑप्शन। चलो 47, 47 नंबर एमसीक्यू। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एडिटिव यूज इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ये जो टैबलेट के जो एडिटिव है, क्या इसी अपने स्टेटमेंट पढ़ो और एडिटिव का नाम देखो, स्टेटमेंट पढ़ो, क्या वो उसी के लिए यूज करते थे? अब इसको करेक्ट कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना है ना, क्या ये तीनों चारों सही है, दो सही है, गलत है। देखो, लुब्रिकेंट क्या करता है? रिड्यूस करता है टैबलेट को इजेक्ट करने में जो वॉल के बीच में फ्रिक्शन होता है। हाँ, सही लग रहा है। ठीक है, लुब्रिकेंट सही लग रहा है। एंटी एडेरेंट क्या होता है? कोहेसिवनेस को प्रमोट करता है। क्या? कोहेसिवनेस। एंटी एडेरेंट यानी एडेरेंट मतलब जो चिपकना, कोहेसिवनेस को क्या ये प्रमोट करेगा क्या? नहीं, ये एंटी है, ये गलत हो गया। ग्लाइडेंट क्या होता है? जो कि फ्लो ऑफ द टैबलेट है ना, टैबलेट के फ्लो को प्रमोट करता है। क्या कुछ सही लग रहा है। बाइंडर क्या होता है? प्रिवेंट करता है क्या एडहेशन को? एडहेशन प्रिवेंट करता है क्या? नहीं भैया, एडहेशन तो करवाता है ना। क्या होगा बताओ? पी और आर यहाँ पे सही होंगे क्या? पी आर सही होंगे क्या? बताओ क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन सी अनु राय, ऑप्शन सी कुछ सही लग रहा है। चलो देख लेते हैं कि कौन सा एक्सीपिएंट टैबलेट के किस प्रॉपर्टी में यूज किया जाता है। चलो, पी और आर, जी हाँ, यानी कि जो लुब्रिकेंट होता है डाई वॉल के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको कम करने के लिए लुब्रिकेंट तो यूज होता था, सही है। आर हमारा क्या था? ग्लाइडेंट किस लिए यूज होता था? फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एंटी एडहेरेंट, एडहेरेंट मतलब चिपकाने वाला या कोहेसिवनेस बढ़ाने वाला है ना, और एंटी एडहेरेंट मतलब कोहेसिवनेस को क्या करना है? रिड्यूस करना। लेकिन ऑप्शन में क्या है? प्रमोट बताया गया है, यानी कोहेसिवनेस को ये प्रमोट थोड़ी ना करेगा, ये क्या करेगा? और उसको रिड्यूस करेगा। ये ऑप्शन गलत हो गया। बाइंडर में क्या था हमारा? कि एडहेशन को, बाइंडर तो एडहेयर करने के लिए, बाइंड करने के लिए ना यूज होता था, लेकिन यहाँ पे प्रिवेंट एडहेशन लिखा है तो ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा। पी और आर स्टेटमेंट सही था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट देख सकते हो, उनका यूज देख सकते हो, जो पहले का हमारा टेबल था उसी से उठाए हुए ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। ठीक है, अभी पिछले वाले चार्ट में बताया था कि चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। क्या था? पी है और क्यू है, इसमें करेक्ट को बताना है। पी में क्या है? न्यू टैब और सुगर टैब कॉम्बिनेशन दिया गया है, कॉम्बिनेशन सही कॉम्बिनेशन चूज करना है। न्यू टैब में क्या 95% सुक्रोज और 4% इन्वर्ट सुगर था क्या? या सुगर टैब में 98% सुक्रोज प्लस 2% इन्वर्ट सुगर था, कौन सा ऑप्शन? क्या पी सिर्फ करेक्ट है या ओनली यू करेक्ट है, या बोथ पी और क्यू करेक्ट है, या बोथ इनकरेक्ट है? चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पी ही करेक्ट है, यानी कि सुगर टैब में तो पहले बताया था ना 90 से 93% ही होता है, यहाँ पे ऑप्शन 98% आ गया। ठीक है, तो न्यू टैब में क्या था? यहाँ पे आप देख सकते हो क्या था, न्यू टैब जो था उसमें 95% सुगर और 4% इन्वर्ट सुगर का कॉम्बिनेशन था, है ना, वो हो गया। ठीक है, ये डाइल्यूएंट हो गया। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन। सेकंड लास्ट हमारा एमसीक्यू क्या पूछा गया है? ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ मॉइस्चर क्रिटिकल ग्रेन्यूल्स ए हाइग्रोस्कोपिक सबस्टांस यूज टू मेंटेन अ प्रॉपर मॉइस्चर लेवल, यानी कंप्रेशन के दौरान यानी कि कौन सा हाइग्रोस्कोपिक सबस्टांस यूज किया जाता था प्रॉपर मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करने में, है ना, कौन सा? हाइग्रोस्कोपिक यानी कि भैया मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करने वाला सबस्टांस। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑप्शन ही देखोगे तो पहली बात आ गया ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भैया क्या है? ह्यूमेक्टेंट की तो है, जो कि क्या करता है? मॉइस्चर लेवल को मेंटेन या इंक्रीज करता है। टाल, टाल तो नहीं होगा, कॉर्न स्टार्च भी नहीं होगा, सुक्रोज भी नहीं होगा, इजिली देख सकते हो कोई ल्यूब्रिकेंट है, कोई ग्लाइकेंट है, कोई बाइंडर है। यहाँ पे ग्लिसरीन क्या है? एज ए ह्यूमेक्टेंट है, तो ह्यूमेक्टेंट करता क्या था? मॉइस्चर लेवल को क्या करता था? मेंटेन करने का काम करता था। जी हाँ, ग्लिसरीन, अश्विनी सैनी, जी हाँ, ग्लिसरीन यहाँ पे देख सकते हो एज ए ह्यूमेक्टेंट, जबकि स्टार्च हुआ, कॉर्न स्टार्च हुआ, बाइंडर एकेसिया हुआ, ये सब बाइंडर और एंटी एडहेरेंट हुए। ठीक है, चलिए
अगला और हमारा लास्ट एमसीक्यू क्या पूछा गया है ध्यान से बताइए। लगभग 80-90% आप लोगों का रेशियो है जो आंसर बताने का है, ठीक है, यानी ज्यादातर लोग सही आंसर लिखे हैं। चलो अगला क्या है, स्टोमेटल इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ ऑफ द फार्माकोपिया इन द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑफ फॉर इंटरी कोटेड टैबलेट फर्स्ट द डिसोल्यूशन इज कैरिड आउट इन, यानी कि इंटरी कोटेड टैबलेट की बात आ गई, कहां पे वो रिलीज होता था, पीएच उसका था अल्कलाइन पीएच था, है ना, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली वो क्या होता था, रिलीज होता था। तो हमारा बता रहा है कि किस फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला यूज किया जाता था स्टोमेटल इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए, है ना, वहां पे जब हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते थे इंटरी कोटेड टैबलेट की, तो सबसे पहले हम किस सॉल्यूशन के द्वारा हम डिसोल्यूशन परफॉर्म करते थे इंटरी कोटेड का, 0.1 मोलर HCl लेके या फॉस्फेट बफर लेके, वाटर लेके या H2SO4 लेके, HCl, जी हाँ, 0.1 मोलर HCl लेके, जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके हम क्या करते थे उसके जो इंटरी कोटेड टैबलेट है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम डिनोट करते थे, ठीक है। चलिए हो गए 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में कितने सही हुए कितने गलत हुए आप खुद एक बार रिज्यूम कर लीजिएगा। और जो टेबल्स थे, चार्ट थे, खासकर वो जो डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस वाला था, डाइल्यूएंट का जो सुगर टैब न्यू टैब उससे क्वेश्चन आते थे, है ना, और खासकर जो सुगर की कोटिंग थी उसमें सब कोटिंग, है ना, सील कोटिंग, पॉलिशिंग, हर स्टेप पे कौन कौन सा पॉलीमर, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट यूज किया जाता था, है ना, उसको देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। चलो थैंक यू, ऑल करेक्ट, प्रियंका पांडे ऑल करेक्ट, वेरी गुड, सही करेक्ट है सभी, ठीक है। चलिए सेशन को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, उम्मीद होगी क्वेश्चन सारे सही होंगे। अगला टेस्ट जो कि संडे को होने वाला है उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, चलिए थैंक यू।